आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान में हूं आपकी मेजबान सलमा कौशल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब गला कुछ कुछ बेहतर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह खनकती आवाज निकल रही है और डॉक्टर के पास नहीं मैं गया क्यों दिल नहीं चाह रहा था वजह ऐसे ही भाई गला खराब होता है डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर नहीं बनते नहीं डॉक्टर तो खुद नहीं बना मैं मैंने सोचा कि थोड़ा वेट करते हैं शायद खुद ब खुद में ठीक हो जाऊं नेचुरल डॉक्टर्स का वेट कर रहे थे आप नेचुरल डॉक्टर्स के साथ गुजारा कर रहा था मैं और आप कुछ डॉक्टर्स की बात भी कर रहे थे आज ये आपको पता है आप आपकी जिंदगी में छह बेहतरीन डॉक्टर्स कौन से होते हैं एक होता है एप्पल नहीं 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 डॉक्टर डॉक्टर है ना बड़े वाले अच्छा, वो बड़े जी। अच्छा, वो बड़े डॉक्टर हैं। लेकिन जिन डॉक्टर्स की मैं बात करूँ जनाब उन छह करें, अच्छा डॉक्टर है ये रेस्ट आराम करें जैसे हमने परसों बात भी की थी, थी ना आराम और सोना इसमें फर्क है आराम सोशल भी है इमोशनल भी है फिजिकल भी है फाइनेंशियल भी है सारा आराम बहुत जरूरी है आराम के अलावा एक्सरसाइज चाहे दिन का आगाज चाहे दिन के किसी हिस्से में चाहे आखिर में ये भी आपका एक डॉक्टर है इसके साथ साथ डाइट अच्छी डाइट अच्छा खाना ये भी आपके लिए डॉक्टर का, का काम करता है। और क्या खाना बंदे से बने बन के खाना और हलाल खाना हलाल खाना, हलाल खाना। और मतलब औकात के मुताबिक खाना हद से ज्यादा ना खाना दे। जितनी, से सेहत जितनी सेहत आपकी इजाजत है वरना फिर आप सेवेंटी से नाइनटी टू पे पहुंच जाते हैं मैंने वैसे ही कहा है मैंने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया जनरली बात मैंने की है तो फिर आपका वजन बढ़ जाता है इसके अलावा सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ डॉक्टर और एक डॉक्टर अब रह चुका है आखिरी वाला वो है जनाब दोस्त फ्रेंड्स वो वो आपके सबसे अच्छे डॉक्टर डॉक्टर होते होते हैं हैं ये जो आपको पे जलील भी करा देते हैं नहीं अच्छा वाला दोस्त तो जलील नहीं कराता और मेरी बेगम भी मेरी डॉक्टर जी मेरी दोस्त है वैसे वो मारती है बात कर लिया आज डॉक्टर से मुतालिका बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में आज हम बहुत से मौजूद डिस्कस करने वाले हैं लेकिन चूंकि आज का दिन बड़ा अहम है और चुनाव पांच जनवरी की बात करें पांच जनवरी उन्नीस सौ उनचास नाइनटीन फोर्टी नाइन आज हम इसकी बात करते हैं आज दुनिया भर में जो कश्मीरी है वो हक़ ख़ुद इरादियत का दिन मना रहे हैं और हम ये दिन मनाने का जो मकसद है वह आपसे शेयर करते हैं इस दिन की मुनासब से मुख्तलिफ मकाम पर हम देखेंगे तकरीबा भी होती हैं रैलीस भी निकाली जाती हैं ताकि आलमी बरदरी पर जोर पड़े कि पाँच जनवरी नाइनटीन फोर्टी नाइन की जो सलामती काउंसिल की कर्दा है उस पर अमल दरामद कराया जा सके और कश्मीरों को अपने मुस्तबिल के फैसले का हक़ दिया जा सके आपने बैकग्राउंड तो बता दिया शेब लेकिन आ, कोई भी हादसा हम कहते हैं ना अचानक भी होता उसका एक बैकग्राउंड होता है उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है एक शेयर भी है इस पर वक्त करता है परवरिश बरसों हादसा यूं अचानक नहीं होता आई गेस आगे पीछे हुआ होगा लेकिन मफूम यही है कि उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड होता है 2019 में 5 अगस्त के जो इकदाम हमने देखे डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश की गई उसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी अगर ऐसा ना किया जाता अगर डेमोग्राफिक चेंजेस की कोशिश ना की जाती तो भारत कैसे जस्टिफाई करता अपनी नाइंसाफियों को तो ये पहला कदम था उनकी सोची समझी स्ट्रेटजी की तरफ 1989 की तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकला था तब क्या हुआ था तब कश्मीरियों के दिलों में ये छोटी सी उम्मीद जागी थी कि शायद अफगानों की तरह हमारी भी पुष्त पनाही करेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लोग मरते रहे लोगों को मावरा अदालत कत्ल किया जाता रहा बेतहाशा सितम के बावजूद आलमी बरादरी को होश न आया पाकिस्तान ने बारहा मुकदमा उठाया कश्मीर का कश्मीर को आजादी

तो मकसद हासिल नहीं कर लेते हक तो उनको मिल नहीं जाता उन्होंने अपना पैगाम जिस जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि खत्ते में पायदार अमन के लिए यूएन की जो करारदादा हैं इस पर अमल दरामद करवाना बहुत ज्यादा अहम है बहुत जरूरी है साथ में कहा है कि भारतीय जो हुकूमत है वो ना सिर्फ कश्मीरियों के नाकबले तजी खुदराजत से इनकारी बल्कि जो काब फौज है वहाँ पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक खौफ का एक डर का माहौल पैदा कर रखा है जिस तरह डेमोग्राफिक चेंजेस की आपने बात की माजी की अब क्या हो रहा है अभी तो यही हो रहा है नस्ल कशी वहां पर हो रही है जिस तरह से वहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस की जा रही है जिस तरह वहां पर जो आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिश की जा रही है दो हजार उन्नीस अगस्त के बाद से वह हम सबके सामने है पांच अगस्त दो हजार उन्नीस भारत गैर कानूनी जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है कश्मीरों पर जबर के एक नए बाब का इजाफा हुआ है पांच अगस्त दो हजार उन्नीस के बाद दुनिया भर में कश्मीरी आज हक के खुद राज मना रहे हैं कुछ बात हमने की एक रिपोर्ट है हमारे पास सदा की मिलकर देखते हैं कश्मीर जन्नत नजीर की फिजाओं को भारतीय काबज़ फौज ने बारूद की बू से आलूदा कर रखा है निहत्ते कश्मीरियों को कैदोबंद और जहनी कर्प का सामना है सहमे चेहरों की बेबसी दाद रसी की मंतजर है ये पाँच जनवरी उन्नीस सौ उनचास का दिन था जब अकवे मुतहद की सलामती कौंसिल ने एक तारीखी करारदाद मंजूर की जिसमे कहा गया था की रियासत जम्मू और कश्मीर के भारत या पाकिस्तान के साथ इलाहा के सवाल का फैसला आज़ादाना और गैर जानबदारा इस राय के जमहूरी तरीके ऐसी किया जाएगा भारत मसला कश्मीर को खुद अकवा मुतहदा में लेकर गया था लेकिन वक्त गुजरने के साथ भारत ने कश्मीर को अपना अटूट अंग करार देने का राग लापना शुरू कर दिया कश्मीरी अवाम ने हक खुदरादियत की जदोजहद में बेशुमार कुर्बानियाँ दी और पचहत्तर साल से भारतीय का सामना करने के बावजूद कश्मीरी अवाम अपने नाकबले तनसी के, के लिए है। या अप 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 बनती है जो उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है की जो हम ऐसी वादा किया गया है जो कश्मीरी आवाम ऐसी वादा किया गया है उन करारदाद को अमली जामा पहना के हिंदुस्तान पे दबाव डाला जाए हिंदुस्तान को मजबूर किया जाए वो कश्मीरी अवाम को हक दे भारत ने पूरी कश्मीरी कौम को तारीख के बदतरीन तशद का सामना करना पड़ रहा है मोदी सरकार की फाशिस्ट पॉलिसियाँ दुनिया भर में बेनकाब हो चुकी हैं। इंतजार और खलफिशार का दूसरा नाम मोदी सरकार है भारत ने खुद वादा किया है कि हम अपना हक हग... जो है वो देंगे मकबूजा कश्मीर के आवाम को और मकबूजा कश्मीर के आवाम अपनी जो, जो आवाज है वो पूरी दुनिया तक पहुँचा रही है खुद की में पाकिस्तान पूरे अज्म इतिहाद के साथ अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है ये तमाम हकायक इस बात की गाजी करते हैं की भारत कश्मीरी आवाम को जबर का निशाना तो बना सकता है लेकिन उनके जज्बा आजादी को शिकस्त नहीं दे सकता कश्मीर में होने वाला जुल्म जिस पर रिपोर्ट आपने देखी सिर्फ यहीं तक ये यह सिलसिला नहीं रुका ये वो सिलसिला है जो कई दहाइयों से चलता आ रहा है हुरियत रहनुमाओं पर मजालम होते हमने देखे आ, हुरियत रहनुमाओं के अलावा जिस -जिसने, जिस ने जिस जिस ने कश्मीर की बात की उसे मार दिया गया उस आवाज़ को दबा दिया गया लोगों को एकवा किया जाता रहा लोगों को कत्ल किया जाता रहा बुरहान मुजफ्फ़र वानी एक ऐसा नाम था जो निहत्ता तो था लेकिन उसने सोशल मीडिया के ज़रिए जब आवाज़ उठाई तो भारत सरकार को नागवार गुज, ना गुजरी और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद जुल्मों सितम का एक बाजार गर्म होता हमने देखा ना सिर्फ बुरहान मुजफ्फर वानी को मार दिया गया बल्कि उनके साथियों को चुन चुन के मारा जाता रहा और उसके बाद ये सिलसिला ऐसा चला ये तहरीक जो जैसे जैसे आज़ादी की जो तहरीक थी वो जान पकड़ती गई वैसे वैसे भारत के मजालिम तेज होते गए फिर हमने देखा कि एक तवील लॉकडाउन चला और उस लॉकडाउन में क्या हुआ उस लॉकडाउन को आज कितने दिन गुजर चुके हैं शायद हजार दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं बहुत तवील हो चुका है लेकिन उसके बावजूद अभी तक लोगों को मारने का सिलसिला जारी है कर्फ्यू का सिलसिला जारी है हमारे यहाँ कोई बीमार होता है मार्केट में मेडिसिन शॉर्ट हो जाती है हम परेशान हो जाते हैं लेकिन कश्मीर में तो अद्वियात है ही नहीं कोई बीमार हो कोई कैंसर पेशेंट हो कोई हार्ट पेशेंट हो कोई मर जाए ना दवा मिलती है ना अस्पताल मिलता है ना बच्चों को खुराक मिलती है ना खाने के लिए कुछ मार्केट्स में अवेलेबल होता है ना इंटरनेट एक्सेस दी जाती है इंटरनेशनल मीडिया को वहां पे एक्सेस नहीं दिया जाता अगर कोई विजिट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता बहुत लिमिटेड एक्सेस दी जाती है और अब भारत के अंदर से जो आवाजें उठती हम देखते हैं पढ़ा लिखा तबका जो भारत का है अरुंधति राय जैसे लोग जो है वो आवाज उठाते हैं किसान तहरीक चलती है तो वहां पर कहा जाता है कि हम कश्मीरी नहीं है जिनको आप दबा लेंगे यानी भारत के अंदर पढ़ा लिखा तबका ये एडमिट करता है कि कश्मीर को दबा के रखा जा रहा है कश्मीर में जुल्म किया जा रहा है लेकिन भारत सरकार शायद अखंड भारत के एजेंडे पर ही इकतेदार में आई थी यही ही अः कहकर वोट लिया था आवाम से कि हम अखंड भारत बनाएंगे हम बाबरी मस्जिद को भी मंदिर में तब्दील कर देंगे और ये भी कहा गया कि हम भारत को अखंड भारत बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे कश्मीर को भी भारत में शामिल करने के लिए डेमोग्राफिक चेंजेस करेंगे जिसके लिए 5 अगस्त तो 2019 के इकदाम किए गए और सलमा कश्मीर से मुताल जब हम बात करते हैं फॉर दैट मैटर जब हम भारत का जिक्र करते हैं जब भी वह इलेक्शन हो तो हम ये आवाजें ज्यादा उठती देखते हैं सुनते हैं जिस तरह के इकदाम भारत करता है जिस तरह के स्टेप्स भारत लेता है जिस तरह का माहौल भारत पैदा करता है जैसे मुसलमानों के साथ माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म भारत करता है लगता ये है उनकी सोच ये जाहिर करती है कि वो इससे फ़ायदा उठाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ के साथ और मुसलमानों के साथ तो दे दे प्ले प्ले इस पर मजीद ही बात करेंगे लेकिन प्रोग्राम में आगे चलकर इंशाल्लाह अभी एक दीगर खबरें शामिल करते हैं और है हमारे पास और वो जनाब वो है कि पाकिस्तान कैसे बदल सकता है और पाकिस्तान कैसे बदलेगा और पाकिस्तान को कौन बदलेगा पाकिस्तान को वो बदलेगा जो कि एम्पावर्ड है पाकिस्तान को वो बदलेगा जिसकी सोच मजबूत है पाकिस्तान को वो बदलेगा जो चैंपियन है अपनी फील्ड में मैं बात कर रहा हूं चैंपियंस ऑफ रिफॉर्म की सी ओ आर की वजी अजम पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कल ट्वीट किया आपको दिखा भी रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान के एक तो वो पाकिस्तान की प्राइड हैं पाकिस्तान जाहिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान उनकी वजह से है और उन्होंने कहा कि ऐसन इकबाल साहब को उन्होंने हिदायत कर दी है और अभी ये जो चैम्पियंस ऑफ रिफॉर्म का प्लेटफॉर्म है ये बना दिया गया और इसमें होगा ये कि मुख्तलि जो आ, अपनी अपनी फील्ड के चैम्पियंस हैं वो इसका हिस्सा बन जाएंगे और अपनी सलाहितों को जहाँ जहाँ वो मनवा रहे हैं मनवा सकते हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा इंक्लूसिव सोसाइटी की जब हम बात करते हैं एक पे में लेकिन आप ये देखिए कि जितने जितने फॉरम्स हैं जितने जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जितने जितने डोमेन्स हैं, जहां जहां पर जो अच्छा काम करे जो बेहतर काम कर सकता है अच्छे आइडिया के साथ ह्यूमन रिसोर्स के साथ या किसी भी तरह से वो मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा जबरदस्त और क्योंकि पीएम की बात हो रही है वजे मोहम्मद शहबाज शरीफ की तो एक खबर मेरे पास भी है कि नौ जनवरी को एक बड़ी जबरदस्त इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रिजिलियंट पाकिस्तान इसमें वजी मोहम्मद शहबाज शरीफ खसूस पर शिरत करने और, और, और बलोचि जदीद सहूलियात से आरास्ता दो दानिश स्कूल भी बारह सॉरी बारह दानिश स्कूल भी कायम किए जाएंगे और इसके अलावा सैलाबासन को घरों के मुआवजे की अदायगी के लिए भी तमाम वसायल बरूकार लाए जाएंगे सोहबतपुर में सलाम मुतान और मकामी अमायदीन से भी वजे अज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ख़ताब किया था कल और उन्होंने कहा था कि नौ जनवरी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है जिसका भी मैंने जिक्र किया इसमें अकवा मुत के सरबरा के अलावा नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे तो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंजेस पर बात होगी पाकिस्तान को क्लाइमेट रिजिलियन बनाने की होगी इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस की जो सदारत है वो वज़र अजम मोहम्मद शहबाज शरीफ करने वाले हैं और ये जनेवा में होगी और इसके अलावा वजे अजम मोहम्मद शहबाज़ शरीफ ने जब बलोचिस्तान का दौरा किया तो उन्होंने दूर दराज इलाकों में तालीम की मयारी सहूलियात की फराहमी के आजम का भी अदा किया है वो पंजाब में अपने दौर में जो कायम किए गए दान स्कूल थे एक पूरी चेन है जो की वजे मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कायम की थी तो इसका हवाला देते हुए वजी अजम आपदीदा भी हो गए कि ये स्कूल गरीब और नादार बच्चों को मीयारी तालीम की सहूलियात की फराहमी में नुमाया किरदार अदा हैं और हमने देखा शो इससे पहले भी वज़र अजम जब भी पिसे हुए तबके की बात करते हैं गरीब तबके की बात करते हैं तो हमेशा उनकी आंखें भर आती हैं वो एक दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं हर जगह हमने देखा वजे अजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ना सिर्फ अर्ली मॉनिंग उठते हैं बल्कि बहुत एक्टिव उनका दिन गुजरता है और हर जगह पर वह खुद पहुँचते हैं और हर छोटी छोटी चीज़ का भी नोटिस लेते हैं जो कि एज़ पी एम इग्नोर भी हो सकती हैं लेकिन वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ताकि आवाम को बेहतर बेहतरीन चीज मिले वक्त पर मिले उसमें किसी किस्म की कमी कोताही या ताखीर ना हो बिकॉज सलमा ही ट्रूली बिलीव कि एक छोटा सा जो आपका आ, एक्ट होता है ना वो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। no है doubt. आपने जो चूंकि बात बलूचिस्तान की कि वजरम के दौरे की कि मैं क्विकली अब शेयर कर लेता हूं कि अगर कोई ये सोच रहा है ना कि वो सैलाब गुजरे छः सात महीने हो गए हालात बेहतर होंगे या हालात अच्छे होंगे तो सिर्फ बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की ट्वीट या पोस्ट देख लीजिएगा सैलाब तो के छह सात महीने गुजरने के बाद भी चले बढ़ते हैं आगे क्योंकि हम सबको आगे बढ़ना है तान को आगे बढ़ना है और जब आगे बढ़ने की हम बात करते हैं एक इवेंट आने वाला है उसका जिक्र करते हैं पी एस एल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन एट की बात करते हैं जिसका अफ्ताही जो एक सेशन है अफ्ताही तकरीब है ये होनी है जनाब मुल्तान में पाकिस्तान सुपर लीग इसके हमने इस देखा सात कामयाब एडिशन के बाद अब जो एट्थ एडिशन है वो फरवरी यानी नेक्स्ट मंथ उसका आगाज़ होने वाला है फेबररी एंड मार्च में इसको प्लान किया गया है शेड्यूल सामने आ चुका है मुल्तान मेगा इवेंट में अफ्ती तकरीब की मेजबानी करेगा जबकि टूर्नामेंट का पहला मैच भी मुल्तान में ही खेला जाएगा दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान की टीमें मद्देमकबिल होंगी और ये टूर्नामेंट नाइनटीन थर्टीन फेबररी से नाइनटीन मार्च तक चार मकामा पर जो है वो खेला जाएगा यानी कराची लाहौर रावल पिंडी तो है। है, तो एंड में में रही थी के इस मौसम में हम देखते हैं कुछ दर टून से नजर आते हैं जो कि खजां के मौसम में अक्सर होते हैं पत्ते खुश्क होकर दरख्तों से गिर जाते हैं लेकिन फिर खजां के बाद फौरन बाहर शुरू हो जाती है जब फूल वापस आना शुरू हो जाते हैं पत्ते वापस आना शुरू हो जाते हैं तो जब फूलों की वापसी का जिक्र होता है तो हमें एक नुमाइश याद आती है जो कि हर साल होती है और साल में आई गेस दो मरतबा होती है गले दाउदी की नुमाइश और ये हुई है जनाब कराची में सर्दी का मौसम शुरू होने में गले दाउदी की ख़ूबसूरत नुमाइश का इनका किया गया कराची में ऑल दो वैसी सर्दी नहीं होती जैसे इस्लामाबाद या लाहौर में या दीगर शहरों में होती है या जो हमारे ठंडे इलाक़े हैं कोयटा वगैरह वहाँ पर होती है लेकिन कराची में हल्की फुल्की सर्दी आती है लेकिन ये मौसम गले दाऊदी के लिए बड़ा मुनासिब होता है तो आयशा आफरीन की एक बड़ी ख़ूबसूरत प्यारी सी रिपोर्ट है आपको दिखाते हैं कराची में मौसम सरमा के रंग हर सो बिखर गए जिसके साथ नीले पीले जर्द और दिलकश रंगों के गुले के फूलों ने सर्द मौसम की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए ये रंगारंग फूल लोगों के दिलों को लुभाते और अपने जलवे बिखेरते नजर आए इस बार हमने गुले का शो इसलिए किया क्योंकि ये डिफरेंट किस्म का रेयर वेरायटी ऑफ नुमाइश में सौ अकसाम ऐसी जायद गुले दाऊदी के फूल रखे गए जिनकी खूबसूरती ने बच्चों और खातिन समेत हर एक को अपनी तरफ खींच लिया इसको ऑबियस है कि 11 महीने हम वेट करते हैं इनका और ये आंखों को इतनी ताजगी दे रहे हैं कि मतलब बहुत मजा आ रहा है बच्चे बहुत खुश है। जहां हैं जहाँ इसकी खुशबू महकने लगती है हम थोड़ा सा खिल से जाते हैं मौसम की बहारे ऐसी चेंज हो जाती है फूलों से ही खूबसूरती है फूलों से ही जो है वो कराची खूबसूरत लगता है फ्लावर जो है वो तो हर मौसम में ही बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे जो भी कलर है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सारे तो यहाँ पर फ्लावर्स है मैंने साफ देखे ग्यारह महीने मुसलसल परवरिश और निग्दाश्त के बाद

महमूद साहब, आज खुद इरादियत मनाया जा रहा है कई बरस गुजर गए, गए नाइज निकाले गए। अब क्या करते हैं आप क्या हक इरादियत हासिल कर पाएंगे हम कश्मीर के लिए देखिए इनशा कश्मीरियों का ये आजम है और उनका ये बुनियादी राइट है और पिछले पचहत्तर साल गुजर के उनके ऊपर बहुत एक लेकिन इसके बावजूद जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी भी एक लमह के लिए भी इस बात को तस्लीम नहीं किया कि तो पांच जनवरी जब भी आता है तो हम इस बात का एक बाखिर अज़म करते हैं इस आज को दोहराते तो हैं कि हमने इस बात को हासिल करना और इसके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई है लाखों लोग जो है इस जिदोजोहद में इस जिदोजहद में शहीद भी हुए हैं जेलों में गए अभी भी हजारों लोग जो हैं वो जेलों में हैं बहुत सारी टॉप जो लीडरशिप है सीनियर लीडरशिप जो है उसमें कई लोग जो है वो जेलों में गए कई लोग शहीद हुए कई लोगों ने पूरी पूरी जिंदगी जो है इसके लिए अपनी कुर्बान कर दी तो कश्मीर के जो भी लोग हैं चाहे वो आजाद कश्मीर में फंसे या मकबूजा जम्मू कश्मीर में या वो डायसपोरा हो वो सब इस बात पे यसू हैं कि कश्मीर की मुस्तकिल का फैसला एक आजादाना और मुनफाना रेफरेंडम के जरिए होना है जिसका वादा अवत्य ने पांच जनवरी को भी किया था उससे पहले की करारदाद तेरह अगस्त में भी किया था उसके बाद की भी कई किरारदादा में किया और सबसे जो अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो हजार अठारह और दो हजार उन्नीस में अकवा मुतदा का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने भी दो रिपोर्ट दी उन दोनों रिपोर्ट में भी कश्मीरियों के हक के खुद रदियत की बात की गई तो हक के खुद रवियत कोई ऐसी चीज थी नहीं है कि जो वक्त के साथ मिट सकता हो खत्म हो सकता हो ये एक है ऐसा हक है कि जब तक दिया नहीं जाएगा या एक्सरसाइज नहीं होगा उस वक्त तक ये कायम रहेगा तो कहीं भी कश्मीर में जम्मू कश्मीर में के दोनों हिस्सों में मैं देखता हूँ कि कहीं भी इस बात पे कोई कन्फ्यूजन मौजूद नहीं है कि कश्मीरी अपने इस राइट के लिए अपनी जितो जारी रखेंगे और उन्होंने जारी रखती हुई है। ठीक। सर, लेकिन आ, 2019 अगस्त के बाद के हालात का अगर हम जायजा लें जिस तरह आबादी के में तब्दीली की मोदी सरकार की कोशिशें उसके बाद ये जो हक खुद इरादत का एक मामला है आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मुतासर होना शुरू हो गया हर गुजरते दिन के साथ ये कहीं पहलू से आपका आपकी बात ठीक है ये। आके, आके खुदे के हक खुद राजद के हवाले से कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म ज्यादती बढ़ गई है खास तौर पर जो है वहाँ रिप्रेशन का लेवल बहुत हाई हो गया सारी पोलिटिकल लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया सियासी सरगर्मियों की कोई इजाजत नहीं है लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि, कि कश्मीरियों को और ज़्यादा ये एहसास हुआ है कि अगर उन्होंने जबर जफर का मुकाबला करना है और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है अपनी डेमोग्राफी को प्रोटेक्ट करना है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना है अपने अख्तियार को बढ़ाना है तो उन्हें राइट आप डिसर्मिनेशन के लिए जितोजोद करनी पड़ेगी सेकेंडली ये जो थर्टी फाइव ए गया और तीन सौ सत्तर गया पाँच अगस्त जिसकी आप बात कर रहे हैं तो उससे ये साबित होता है कि हिंदुस्तान जो है वो कश्मीरियों को एक्सेप्ट करने के लिए उनकी आइडेंटिटी की उनकी रियासत को उनके कल्चर को उनकी तहजीब को उनकी इस्लामी शनाख्त को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है तो इसने एक तरह से निमेज़ दी है कश्मीरियों के जज्बे को कि उन्होंने अपनी आज़ादी के जिद्दोजहद को और ज्यादा तेज करना है ताकि ये किसी मनकी अंजाम तक पहुँच सके ये नहीं की इससे कश्मीरी जो है वो ठीक है उसके दबाव भी बहुत ज्यादा है और एक तरह से डिप्रेशन की वजह से आपसे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं लोगों के लिए जिदोजहद करना लेकिन जितनी भी रिपोर्ट आ रही हैं अभी बीबीसी की में थोड़े दिन पहले रिपोर्ट देख रहा था वो भी ये कह रहे थे कि, कि कश्मीर में खामोशी जरूर है लेकिन हर बंदा हर शख्स हर शहरी जो है वो नाराज है बेजार है हैरास में मुबतला है कोई भी हिंदुस्तान के इन इकदाम से खुश नहीं है जब तक शहरी किसी भी रियासत के साथ खुश न हो उससे इतमान ना हो तो उन्हें आप अपने साथ बांध के तो नहीं रख सकते एक न एक दिन उनके उनके साथ आपको आ, उनको कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ता है सर बड़ी दुरुस्त आपने बात की बांध के नहीं रखा जा सकता प्रोग्राम के आगाज में मैंने एक चीज कही थी मैं रिपीट किए देती हूँ कि तब मगर खड़ा हो गया मफादात के तहफ के लिए क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट जुड़े थे ने भी तब यही सोचा कि शायद हम जब आजादी की बात करेंगे हम जो करेंगे तो शायद हमारे लिए भी कोई खड़ा होगा लेकिन मगरब के मफादा भारत के साथ थे उसके पीछे एक पूरा कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री थी क्योंकि भारत इतना अरसा खुद तो ग्रो करता रहा लेकिन जैसे आपने जकड़े रखने की बात की तो कश्मीर को तो जकड़ के रखा गया ना पलपने दिया गया ना फलने ने दिया गया ना आजादी दी गई ना वहां पे लोगों का कारोबार रहा ना तालीम रही ना सेहत की सहूलियात रही अब क्या हुआ अल्टीमेटली मगरब के मफादात सारे वाबस्ता हो गए भारत के साथ अब ये जस्टिफिकेशन कैसे मुमकिन है कि मगरब अपना मफाद छोड़ के कश्मीर के लिए बात करे क्या कोई राह नजर आती है देखिए मगरब ने तो इनिशियली कश्मीर पे हमारी बहुत मदद की थी अमेरिका ने ये जो जिन रेजोलेशन की हम बात कर रहे हैं ये एक अमरीकी सफीर के लिखे हुए हैं उन्होंने इनकी ड्राफ्टिंग की है तो मगरब का पहले जाहिर है मुफाद जैसे आपने जिक्र किया हमारे साथ था कोल्ड वार की वजह से भी और इंडिया चूँकि तो रूस के कैंप में मौजूद था आहिस्ता आता नाइनटीन की दहाई से जब से रशियन अफगानिस्तान से निकले और रूस टूट गया तो उसके बाद से इंडिया और अमेरिका के दरमियान और मगरब के दरमियान ताल्लुक में बहुत गर्म जोशी हुई और पैदा हुई और उसके साथ साथ फिर इंडिया एक बहुत बड़ी इकतदी ताकत बन के उभरा तो ये दोनों ऐसी ऐसे ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से मगरब का बहुत ज्यादा झुकाव इंडिया की तरफ हो गया लेकिन अभी भी आप देखें कि मगर की पॉलिसी में कश्मीर के ऊपर कोई जोहरी तब्दीली नहीं आई या कहते वो उतने वोकल नहीं ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो तरह छोटा बा, मोटा बात करते हैं लेकिन बहुत वोकल नहीं है लेकिन बुनियादी तौर तो पर अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि जब बलावल भोटो साहब जर्मनी गए थे तो जर्मनी के जो वजीर खारजा थे उन्होंने कश्मीर के मसले के हाल की अहमियत को उजागर किया था इसी तरह अमरीकी hmm. दफ्तर खारजा के लोगों ने भी कुछ हफ्सा पहले ये कहा कि हमारी कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई तो कोई कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है कि भारत के तमाम तार, ए, इस क्लाउड के इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक क्लाउड के बावजूद किसी एक मुल्क ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि कश्मीर का मसला मुतनाजा नहीं है या कश्मीर का जो मुतहद की करारदा इस पर मौजूद है लेकिन मसला तब आ जाता है जब अमल दराबद नहीं हो पाता भारत पर सेंशन नहीं लग पाती भारत के साथ कोई मुल्क ताल्लुका खत्म नहीं कर पाता वहाँ से मसला स्टार्ट होता है नहीं वो बातें तो आपकी ठीक हैं कि वो देख के बहुत ही एडवांस लेवल का मामला है कैसा होना चाहिए उसके लिए बहुत बड़ी एफर्ट की जरूरत है खुद पाकिस्तान को उस लेवल पे जाना पड़ेगा जिस लेवल पे आप बात कर रही हैं पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है मैंने पहले भी कई बार कहा है कि बिलावल भुट्टो साहब को उनकी अपनी एक बड़ी लेगेसी है वो बेनज़ीर भट्टो की लेगेसी भी उनको सपोर्ट करती है हिना रब्बानी खर्चा पाए हैं तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव कश्मीर पे पॉलिसी अख्तियार करना होगी और इसको जैसे मोहतरमा बिन जे साहबा के दूसरे दौरे हुकूमत में उन्होंने बहुत ज्यादा पर्सनल एफर्ट्स दी थी ऐसी एफर्ट्स का एफर्ट दरकार हैं ताकि कश्मीर के मसले पे कोई सफारती सतह पे हमें कुछ कामयाबी हासिल हो सके लेकिन अगर हम मैज छोटी मोटी एफर्ट करते रहेंगे छोटे बयान तक रहेंगे तो उसके नतीजे में तो ये मसला के क्या जिंदा रहेगा लेकिन इसके हल की, तो की तरफ कोई बहुत बड़े जिंदा नहीं रखना मसले को हल की तरफ लेकर जाना है उसी की तरफ कोशिश है हमें करनी जैसे लास्टली आपकी नजर में इस वक्त मौजूदा हालात में अगर मैं ये सवाल करूं वेस्ट मुस्लिम उम्मा का इतिहाद या चाइना इट ये तीन बातें कौन इसके मसले को हल करने में अपना किरदार अदा कर सकता है इफेक्टिवली देखिए ये आपने बड़ा कलीदी किस्म का सवाल उठाया देखें जितने इंटरनेशनल इदारे हैं और जिनसे हमें सपोर्ट चाहिए वो तो सारे के सारे वेस्ट के हैं और वेस्ट ही का उनके ऊपर असर शूख है अव मुतदा हो आलमी मालियाती इदारे इंसानी हकूक के इदारे हों राइट ऑफ सर डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करने वाले हों पीस बिल्डिंग के इदारे हों सिविल सोसाइटीज के इदारे हों ये सारे कॉन्सेप्ट वो हैं राइट ऑफ सर डिटर्मिनेशन का इट सल्फ जो कॉन्सेप्ट है वो एक वेस्टर्न कॉन्प्ट और कॉन्सैक्ट है तो हमें वेस्ट की सपोर्ट मेरा मैं समझता हूँ बहुत कलीदी सपोर्ट है चाइना ज़ाहिर है ऑफकोर्स उसकी हमने उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है पाँच अगस्त के बाद वो दो, दो दफा को सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया लेकिन जो वेस्टर्न सपोर्ट है वो बहुत कलीदी है और खास तौर पर अमरीका जो है उर्दू का मुहावरा भी है कि आप के पाऊँ में सबके पाऊँ तो अमरीका की जब सपोर्ट आती है तो उससे यूरोपीय यूनियन भी आपकी सपोर्ट में खड़ी हो जाता है बर्तानिया भी आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो वाशिंगटन में लंदन में और ब्रसल्स में करना चाहिए चीन तो हमारा पहले ही दोस्त है पहले ही हमारा हम आई है उसकी सपोर्ट भी जरूरी है लेकिन जब तक हमें आलमी जो इदारे हैं उनसे सपोर्ट नहीं मिलेगी कुछ ज्यादा पेश नहीं होगा ठीक है शायद महमूद साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे और आज पूरी दुनिया में कश्मीरी के खुद इरादत मना रहे हैं उसकी हम बात कर रहे थे और बड़ी एक दुरुस्त बात की गई कि कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जिससे एक मसले को जिंदा तो रखा जाता है लेकिन वो हल की तरफ नहीं बढ़ता हमें वो स्टेप्स लेने हैं चाहे वो बेबी स्टेप्स हों चाहे वो शॉर्ट टर्म मइर्स हों चाहे वो लॉन्ग टर्म प्लान हों कि जिससे मसला हल हो जब तक कि मसला हल नहीं होगा ज़ाहिर इस पर बात होती रहेगी नाजरीन बढ़ते हैं आगे कुछ और ख़बरें शामिल करते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं बल्तिस्तान थोड़ा मूड को चेंज करते हैं बल्तिस्तान कहीं तो मौसम भी आजकल वहाँ पर खूब ठंडा है लेकिन वहाँ पर जो सकाफती फेस्टिवल है आज हम उसकी बात करेंगे जश्न मिफंग शिगर में मनाया गया है और रिवायती खेल को पोलो के साथ साथ हाथों में शमे जलाए और फजा में फानूस छोड़ते जो मनाजिर हैं वो बहुत खूबसूरत हैं गुलजार शिगरी ने रिपोर्ट तैयार की है तो लेकर चलते हैं आपको बल्ते और कुछ देर के लिए खो जाते हैं उसके नज़ारों में और एस जश्न में हाथों में मछल थामे और फिजा में फानूज छोड़ते शिगिर की अवाम मना रही है सालाना जश्न मिफंग जो कि बल्चस्तान की कदीम सकाफ़त है जश्नफंग में मुख्तिक मकाम से लोगों ने मशल उठाए अमाचा पोलो ग्राउंड का रुख किया इससे पहले बल्चस्तान के कदीमी खेल कोपोलो भी खेला गया जो चमड़े से बनी हुई ख़ास गेंद से खेली जाती है इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र कहते हैं कि ऐसे इवेंट से सकाफत को जिंदा रखने में मदद मिलेगी हमारे इस खूबसूरत केटू के दामन में बसने वाले बलती कल्चर को हम जिंदा रखने के लिए हम हर साल इस इवेंट को हम मनद करते हैं और ये हमारा कैलेंडर इवेंट है ज़िले इंजामिया का कहना है कि ऐसे इवेंट से सरमाई सियाहत को फरोग मिलेगी विंटर में नॉर्मली यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं होती और हमारे जितना भी सारे टूरिज्म का सेक्टर है वो कनेक्टेड है एक्टिविटीज़ के साथ ये एक एफर्ट है टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्लेटफॉर्म से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से कि हम विंटर में एक्टिविटीज को प्रमोट करें और उससे विंटर टूरिज्म को प्रमोट करें खून जवान रहने वाली सर्दी में इस तरह के इवेंट से जहाँ आवाम को तफरी के मौके मुयसर होंगे वहीं पर सरमाई सहत को भी फ़रोग मिलेगी इतने खूबसूरत मनाजिर थे इतनी खूबसूरत जगह थी दिल कर रहा था कि मैं भी उड़ के पहुँच जाऊँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है मेरा जाना मैं भी आपकी तरह इसी तरह रिपोर्ट देख के इन्जॉय कर सकती हूँ यानी वह आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं सऊदी अरब के सहराओं में यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब का एक सियाती इलाका है ट्रुजीना इसके सहरा में अरबों डॉलर की लागत का लग्जरी स्काई रिजॉर्ट बनाया जा रहा है सऊदी अरब दो में एशियन विंटर गेम्स की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा है जिसके लिए ये खूब

ठीक है बाद में जाएंगे नहीं आ, आपको करें, हम घूम फिर के आएंगे हम की को जाएंगे इंशाल्लाह चले जी तो कुछ खबरें शामिल की अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे तो ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मेहमान साथ मौजूद होंगे और फिर हम जाएंगे बॉक्सिंग की लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटीज के उधार चढ़ाव बिजनेस की होगी बात माहरीन साथ। ब्रेक में बेल्ट्स के साथ खेल रहे थे भाई चैंपियन हमारे साथ बैठे अपने को उठा के देखे बेल्ट भारी होती है कि नहीं भारी थी लेकिन शेद में फोटो भी बना लिया वो मैं प्रोग्राम के बाद शेयर करूंगी बॉक्सर पाकिस्तान से ताल्लुक़ मैन खान साहब बड़ा लजेंड्री किस्म का नाम और काम भी लेजेंड्री उन्होंने की है दिसंबर 2022 में आज बाईजान में होने वाले प्रोफेशनल इंटरनेशनल फाइट के फाते हैं और आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं किक बॉक्सिंग इंटरनेशनल ईरान में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुके हैं इस्लामाबाद में होने वाले किक के मुकाबलों में दो बार सिल्वर मेडल और एक बार सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुके हैं

ये चेक करें ये पिंडी का है ठीक है <coughs> ये चेक करें नंबर थ्री ये पंजाब गेम्स का है ओके okay. nice. ये भी बॉक्सिंग रावल पिंडी फाइव हो गए ये, ये, mm. ये लाहौर nice. छ हो गए ये चेक करें ये भी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड वालों का है ओके। okay. आठ। ये पाकिस्तान नेशनल गेम का है। आठ। ये भी सऊदी का ही है। नौ हो गए। नौ हो गए। ये भी किक किकबॉक्सिंग रॉलपेंडी डिवीजन का ये ही है। तो करीबन दस हो गए और दस से कोई अगले में भी है।, है दस से ज़्यादा ही है। अच्छा ये तो हो गए मेडल। हाँ आप आपने आजर भाई जान का जिक्र किया था और आजर भाई जान की बेल्ट यहाँ पे डिफरेंट है, तो है ये अच्छा लेकिन भारी तो वो ज्यादा ये क्या चक्कर है ये काफी ज्यादा है वो भारी ब... वो पाकिस्तान का है वो आजहर भाई जान का इस वजह से वो हल्का है खेल तो नहीं सकते और जीत तो है बिल्कुल नहीं सकते बेल्ट जा सकते हैं ये चीज दोनों बहन के बहने पहले दोनों बहुत बताए की ये बताएं कि ये आ, ये बड़ा कैसे है मेडल और ये छोटा कैसे बेल्ट जो भी वो बेल्टच्योर है और ये प्रोफेशनल आपने ये जो है ये मेच्योर है वो प्रोफेशनल प्रो बॉक्सिंग और ये

अच्छा और एक आप, एक तो मेरी चार हो चार हो, चार हो एक मेरी मेरी फाइट हो ना अच्छा अच्छा बाकी उनके अपनी नेशनल जो अजहर के थे वही तो एक ही प्रो बॉक्सिंग में एक ही, ही, एक 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 ही बेल्ट होता है कितने इसमें मेरे वाले जो थे चार थे चार राउंड का बेल्ट था और चार आपका मुकाबला किससे था अजरबैजान के फाइटर से ही था ना

नॉलेज के लिए पूछ रही थी अपने अच्छा डाइट कैसे मेंटेन करते हैं कितने किस वेट है, है, okay. तो बस इसमें जो है हम कोच मेरे साथ आए तो थे आपने बैठने नहीं दिया उनको <laughs> <laughs> लेकिन ये है कि कोच के सारे कारनामे होते हैं मतलब कोच की मेहनत का फल मिलता है फिर हमें

मैंने बचपन से मतलब पंद्रह साल की उम्र से पंद्रह साल की उम्र से अभी तक आप फाइट्स में पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं और आपके अभी तो कोच हैं आपके साथ बचपन में कौन से खाता था खुद ही दो हजार उन्नीस दो हजार बीस में प्रो बॉक्सिंग और एमएमए या बॉक्सिंग क्या फर्क क्या है सब में ये जो एम होती है ना प्रो बॉक्सिंग जो आ जाती है ये वर्ल्ड में खेली जाती है ना अच्छा ये मतलब मैं अभी वर्ल्ड में जो है नहीं, है लेकिन मतलब किसी भी कंट्री में जाके बंदा खेलता है अगर मैं ये पूछू की कितने मुमालिक के प्लेयर्स के साथ आप फाइट कर चुके हैं कुछ याद है आजान के अलावा कौन से मुल्क के

हाउ डू यू मैनेज दिस मैरा उसकी डाइट है उसकी ट्रेनिंग है हर चीज़ है महंगाई का फिर कैसे मैनेज करते हैं बॉक्सिंग से कैसे मैनेज होता है अभी यह है कि मैं खुद कोचिंग भी कर रहा हूँ तो उससे भी सिलसिला चल रहा है तो बाकी जो है स्पॉन्सर का जो भी मेरी फाइट हुई है सर भाईजान में उसके लिए स्पॉन्सर मुझे मतलब 24 को मिला था 25 को मेरी फाइट थी आप कैसे स्पॉन्सर तक पहुंचते हैं स्पॉन्सर कैसे लिंक होता है आपके साथ मतलब हम लोग कंपनियों uh, को मुख्तलि की ज़रूरत है आप करना चाहेंगे। तो काफी ज्यादा होते हैं जो कहते हैं नहीं तो बीच में जिनको लोग जीत के आ रहे हैं लेकिन अभी तक तो किसी ने नहीं किया देखते हैं अभी तो लोग आपको अप्रोच करेंगे कि एक ऐसा इंसान जो मुल्क का नाम रोशन कर रहा है इतनी सारी फाइट्स जीत के आ रहा है तो लोग तो खुद स्पॉन्सर करने को तैयार होंगे आपको ऐसे इंशाल्लाह होगा आगे क्या बनता है फेडरेशन का सपोर्ट कैसा होता है ये फेडरेशन का सारा कमाल है ना जो हम लोग अपने के पे के ये बात और ये जो लोग यहाँ पे करते ना सपोर्ट नहीं कर रही हमें exactly. हर्डल सबकी जिंदगी में आती है हर जगह हर सतह पे हर इदारे में आपको कोई ना कोई हर्डल नजर आएगी हर वो चीज हर्डल होगी जिसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे लेकिन सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती जहाँ पे पाकिस्तान आपको अपना नाम दे है पहचान दे रहा है आपको ये मौका दे रहा है जाने का उसको रिकोगनाइज जरूर करें जैसे अभी मोइन खान ने किया अच्छा और मोइन आप बताएं नेक्स्ट कौन सा इवेंट तैयारी किसकी है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम लोग खुद इधर ही एक इवेंट का अपकमिंग सून कर रहे हैं तो उसको इंटरनेशनल फाइट मेरी अपनी होगी ए टाइटल एशिया चैम्पियन के लिए इंशाल्लाह अच्छा और इंटरनेशनल कोई इवेंट को इंटरनेशनल ही होंगे ये फाइट भी इंटरनेशनल ही होगी ठीक है इवेंट ही पूरा इंटरनेशनल होगा इंशाअल्लाह अच्छा अच्छा और वैसे अगर मैं पूछूं कि जो प्लेयर्स आप जिनको देखते होंगे सीखते भी होंगे फॉर श्योर उनसे लेकिन जिसको देख के सोचते हो उस मुल्क का ये प्लेयर जिसके साथ मैं चाहता हूं मेरी बॉक्सिंग वो कौन है वो जॉवांटे डेविस है ये कहां के हैं भाईजान ये अमेरिका के हैं अच्छा अभी तक वो ट्वेंटी एट विन कर चुके हैं इंशा अब आपकी कैटेगरी में आते हैं वो मेरी कैटेगरी में नहीं आते एक कैटेगरी ऊपर ही है इतने लाइट वेट, वेट में जी ये अपने आमिर खान जो है ये किस कैटेगरी में खेलते हैं इनके साथ नहीं फाइट का शौक होता है आपको नहीं नहीं वो तो हमारे नहीं कभी अपनों के साथ भी दिल करते रहता बड़ा नाम है नहीं हमारे साथ तो करते नहीं है

वो किस कैटेगरी जॉइंटेड डेविस हां जॉइंटेड डेविस वो जो लाइट वेट में खेलते हैं अच्छा ये वैसे फेदर और लाइट वेट में क्या फर्क है वो 61 केजी 60 61 केजी अच्छा फेदर 57 होता है ठीक है जी यानी फेदर हमारे वाले कैटेगरी है ऐसे ही है तो आप थोड़ा सा वजन हमने बढ़ा लिया तो कैटेगरी बढ़ जाएगी तो फिर मेरी वाली हो जाएगी थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है नहीं इतनी इतनी ठीक हो हो तो है होगी हाँ, तो मतलब कोई हाँ। <laughs> <laughs> अच्छा तो ये तो हो गई बात की जिनको आप हराना चाहते हैं खेलना चाहते हैं वैसे अगर कोच के अलावा मैं पूछूँ आपसे आपने जरा पहले तो खुद से सीखा वीडियोस देख के मूवीज देख के अभी भी जब आप किसी इवेंट के लिए तैयारी करते हैं तो आप कैसे तैयारी करते हैं उसकी अपनी ही स्ट्रेंथ को बेहतर करते हैं अपनी वीकनेस पर काम करते हैं देखते हैं मुकाबला किससे होगा किस मुल्क के एथलीट से होगा ताकि उसके स्ट्रेंथ से उसकी वीकनेस को पढ़ सकें समझ सकें वो पहले कोच के साथ ही मशरा होता है कि कोच ये फाइटर है

24 28 घंटे 24 से 28 घंटे पहले आप खाना पीना छोड़ चुके होते हैं भूखे प्यासे नहीं मतलब 24 घंटे तक कुछ खाया पी नहीं है लड़ाई से 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 पहले I mean, से पहले से पहले से पहले से पहले नहीं, से पहले से पहले आई तो मीन फाइट, फाइट 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 वेट 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 नहीं नहीं कितनी देर तो बेशक ऐसी बर्गर पिज्जा जो मर्जी खाओ नहीं फिर वो आपका स्टैमिना बरकरार रहता है खाने पीने के बाद सांस वगैरह फूलना ये प्रॉब्लम नहीं होते आपको नहीं नहीं फिर पहले मैं की होती है ना इतनी ट्रेनिंग की होती है की काफी कवर कर लेता है बंदा लेकिन भूखा भी रह के बंदा फाइट तो नहीं कर सकता ना

फाइटिंग अच्छा। जब तक प्लेयर ठीक ना हो जाए तब तक फाइट नहीं होगी कैंसिल हो जाएगी वेरी गुड जबरदस्त जी So बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके thank कुछ मेडल्स लेकर आए बाकी मेडल्स घर पे हैं और उन्होंने कहा कि फैमिली अब सपोर्ट करे लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज डू सपोर्ट हिम ही इज द रियल टैलेंट ऑफ पाकिस्तान रिप्रजेंट करें पाकिस्तान को एट डिफरेंट फॉरम्स ऑल द बेस्ट जिस भी इवेंट में आप, आप जाएंगे इनशाला आप जीत कर आएंगे बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन कर रहे थे आज हमें अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ न्यूज ब्रेक वापस आएंगे दीगर मौजूद के साथ रहिए पीटीवी के साथ वेलकम बैक नाजरीन बात कर लेते हैं कुछ इल्म की हमारी नौजवान नस्ल आज का जो तबका है उसकी फ़िक्री और नज़रियाती तरबियत की ज़रूरत है ये हमेशा कहा जाता है उसके बहुत से कॉम्पोनेंट होते हैं बहुत सारी चीज़ें उसके लिए दरकार होती हैं हम जब भी इस्ता करने की बात करते हैं किसी ऐसी गाइडलाइन की बात करते हैं जिसपे हम जिंदगी गुजार सकें तो कुरान पाक एक ऐसी हिकमत वाली किताब है जिसमें जिंदगी के हर शोबे के लिए राहन मौजूद है किताब. बिल्कुल शायर अलामा मोहम्मद इकबाल अपनी किताब जावेद नामा में फरमाते हैं फ़ारसी का एक शेर में इस, इसको आपके लिए ट्रांसलेट भी करूंगी वो कहते हैं साहिब कुरान बेज़ौ अमल अल अजब सुम अल अजब सुम अल अजब वह इंसान जो कुरने पाक रखता है लेकिन उसको पढ़ने का जौक नहीं रखता उस अमल नहीं करता बहुत हैरत की बात है फिर कहा बहुत हैरत की बात है फिर कहा बहुत हैरत की बात है तो हमें नौजवानों की फ़िक्री और नज़रियाती जो फ़िक्र है उसकी तरबियत अगर करनी है तो सबसे पहले तो हमें कुरान से रुजू करना है और कुरान को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इकबाल को पढ़ें समझें उनकी फ़िक्र को जानें कि वो नौजवानों को हमें हर उम्र के लोगों को चाहे वो अब बच्चे हों चाहे वो ख़वा हों कि इसको क्या पैगाम देते हैं क्योंकि इकबाल की जो भी तालीमत है वो कुरने पाक का अक्स है, वो हजूर पाक सल्ह वसम की मोहब्बत छलकती है उनकी शायरी में उनकी फ़िक्र में उन्होंने जो जो बात कही उसके पीछे एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने की ज़रूरत है तो इस कॉन्टेक्स को समझने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है जो कि इकबाल याद पर अबूर रखते हैं डॉक्टर सलीम सहेल साहब सलामकुम सर कैसे हैं सर बहुत शुक्रिया आपने आज हमें ज्वाइन किया सर सबसे पहले मैं आपकी शख्सियत से मुतल थोड़ा जानना चाहूँगा क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ आप इकबाल से जुड़े कैसे इकबाल को पढ़ने का शौक और कैसे इकबाल को पढ़ना समझना शुरू किया देखें जी हर इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अपनी जो उसकी फ़िक्री तरजीहात होती हैं उनका तयन करता है उसमें समाज उसकी मदद करता है उसका मुआरह उससे जुड़े हुए लोग तो ये एक आवाज़ थी जो बचपन से ही सुनते आते थे हम अपने स्कूल में जाते थे तो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी तो एक ख्या, एक ख्याल पैदा हुआ कि इस इंसान से वाकिफ हुआ जाए कि जिस इंसान का तराना जो है वो लोगों के कुलूब को मुनवर कर रहा है और लोगों के दिलों पर उतर रहा है और लोग उससे बहुत कुर्बत और बहुत उनसीयत का एहसास रखते हैं तो ये ख्याल मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ मुख्तलफ़ से न्याज़ हासिल करने के बाद ये खुला कि हमें अपनी तरजीहात का तय जो है वो सोचने और लिखने वालों की सोच पर रखना चाहिए ना न किसी भी और समाज के आदमी के बलबूते पर और जब इकबाल आपको मुश्किल लगा तो फिर आपने क्या किया असल में मुश्किल और आसान जो है वो आ, उसका तयन हर फर्द पर मुख्तलिफ होता है कुछ इंसानों के लिए बड़े बड़े काम जो है वो रोज़मर्रा का मामूल होते हैं और कुछ के लिए वही काम जो होते हैं वो बहुत उनको मुश्किल नज़र आते हैं तो मुश्किल और आसानी तो जाहिर है कि दर्जा ब दर्जा होती है कोई जो चीज़ आप जिस चीज़ को जितना ज्यादा जानते होते हैं वो उतनी ज्यादा मुश्किल होती है और जिस चीज को आप जितना कम जानते होते हैं वो उतनी आसान नज़र आती क्योंकि उसमें सोचना और मेहनत नहीं करनी पड़ती आसानी का लफ्ज अदा करने में बिल्कुल हर चीज़, चीज़ शुरू में मुश्किल होती है और फिर आसान होती चली जाती है सर एक ऐसी चीज़ जो मुझे पहले तो इकबाल की शायरी मुश्किल लगती थी फिर आसान लगने लगी अभी मैंने एक शेर पढ़ा मैं चाहती हूँ आप उसको अपने अल्फाज में भी एलेबोरेट करते हैं बड़ा सादा सा है लेकिन हमें एक डायरेक्शन देता है साहिब कुरान बेजौक तलब अल-अजब, सुम अल अजब अल-अजब। इकबाल क्या पैगाम देते हैं इसमें जाहिर है इस जी, ये बात अजायबात में शामिल है कि खुदा ने इंसान की बेहतरी के लिए इस कायनात पर एक किताब नाजिल की और खुदा का ये मतलब ख़ुदा का ये एजेंडा एक तरह से इस किताब के अंदर पूरा का पूरा है कि ए इंसान अगर तू इस कायनात में ज़िंदा रहना चाहता है और ज़िंदगी भी ऐसी नहीं जो फ़िक्र से खाली है जो फिक्र से खाली है जो कलंदरी और तवंगरी से खाली है तो वो ज़िंदगी नहीं बल्कि एक सरफराज ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी जिसको देखकर लोग उस तरह का बनने की कोशिश करें तुम लोगों के लिए काबिल रश्क बन जाओ तो फिर क्या करो फिर मेरी बनाई हुई किताब के उसूलों पे चलो अमर मारूफ की तरफ चलो नहीं अनिल मुनकर की तरफ चलो अच्छाई को समाज में समझने की कोशिश करो बुराई से एक शरीफाना फासला इख्तियार करो इससे क्या होगा इससे तुम अपनी सीरत में अपनी जिंदगी में एक बाकिरदार इंसान के तौर पे पहचाने जाओगे एक ऐसा इंसान जो किसी भी समाज में एक समाज के चेहरे के तौर पर पहचाना जाता है कि कोई इंसान जो बेचेहरा समाज जो होते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती जिस तरह से हमारे हजरत अल्लामा की ज़िंदगी हजरत अल्लामा हमारे बिल्कुल उन्हीं लिखने वालों में से है जिस तरह से जो है वो यूनानी तहजीब में होमर की ओडेसी पढ़ी जाती है जिस तरह से वर्जेल की एलियड पढ़ी जाती है जिस तरह से यूरोपी माशरों में शेक्सपियर की एलियट का उसके ड्रामे एलियट का हेमलट का मताल किया जाता है फिल्कुल जिस तरह से पैराडाइज लॉस्ट जो है वो मिल्टन की किताब पढ़ी जाती है जिस तरह से फिरदौसी का शाहनामा पढ़ा जाता है जिस तरह ालिब का कुलयात पर दीवान पढ़ा जाता है हज़रतामा भी और ये जिंदगियां लोगों को ऐसे नहीं हासिल हुई लोगों ने एक मुजाहिदा किया है लोगों ने कोशिश की है कावश की है अपने आप को पहचाना है फितरत को पहचाना है खुदा को पहचाना है अपने कल्ब को इन चीज़ों के साथ जोड़ा है और उस जोड़ने के नतीजे में उनके दिलो दिमाग में ऐसी रोशनी जो है वो उसने वो पैदा हुई है कि जिससे माशरे के दर जो हैं उनमें हुस्न है उनमें खैर है उन उनमें अमल है उनमें इंसानियत है उसमें एक दूसरे के एक दूसरे की तरफ तवज्जो होना है उसमें दिलगिरी है इंसानों की तो ये समाज खूबसूरत बने है फिक्र से ख्याल से आसमानी सहाइफ से अतात से तो ये चीजें जो है इंसान को बदल के रख देती हैं एक ऐसा चांद चांदनी पैदा होती है इंसान के बातन में कि जिससे वो दरो दीवार को मुनवर करता है समाज को खूबसूरत करता है अच्छाई की तरगीब देता है और दूर करता है हर उस चीज़ से जो इंसान को शर की तरफ लेकर चली जाती है जो खैर से दूर कर जा दूर कर देती है और जो पाक और पाकिज़ा लोग होते हैं उनका काम ही रोशनी होता है वो खैर के पैम्बर होते हैं भी जिक्र किया फिर दौसी का गालिब का इकबाल के ज़माने के जो शायर थे ऐसे लोग जो सोसाइटी का चेहरा चेहरा बिगाड़ते हों अपनी शायरी के ज़रिए या जो सोसाइटी को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रहे हों जो कि एक आप समझ लें कि नौजवानों को आ, काम की तरफ जाने के बजाय जज्बे की तरफ जाने के बजाय शाहीन बनने की तरफ जाने के बजाय किसी और काम की तरफ रागब करते हुए ऐसे शोरा को इकबाल डिस्करेज करते थे कौन से शायर थे वो कौन लोग थे वो जिनकी शायरी पे इकबाल ने तनकीद की जिनकी शायरी को नापसंद किया और कहा कि ये वो लोग हैं जो माशरे को गलत समथ में लेके जाते हैं जो माशरे का चेहरा बिगाड़ देते हैं जो सोशल फैब्रिक को तबाह कर देते हैं देखिए जीमा हर उस ताकत को हर उस ताकत को हर उस पैगाम को हर उस फिक्र को पसंद नहीं करते जो इंसान को जो इंसान को दूर कर दे किस चीज़ से दूर कर दे एक एक इंसान को अमल से दूर कर दे एक अमा का है कि एक इसीलिए लिए कहते हैं कि एक फ़क्र है एक फक्र सिखाता है सयाद को नखचीरी एक फक्र से खुलते हैं जहांगीरी एक फक्र है शब्बीरी इस फक्र में है मीरी मीरा से मुसलमानी सरमाया शब्बीरी कहते हैं कि एक इंसान एक फक्र वो है जो इंसान को मारा हुआ शिकार खाने पर मजबूर करता है और एक फक्र से मिट्टी में भी अक्सर की खासियत पैदा हो जाती है मिट्टी में भी एक ऐसी खूबी मटी क्या है बुनियादी तौर पर इंसान है तो अल्लामा हर उस ख्याल को हर उस फिक्र को जिसमें पाव तोड़कर बैठ जाना और अमल से दूर हो जाना वो जो है वो उसको पसंद नहीं करते अल्लामा उस इंसान को पसंद करते हैं जो हजरत शब्बीराम की तरह हर कुवत हरकत और अमल का पैम्बर हो जो खौफ ना हो हजार खौफ हो लेकिन जबा दिल की रफीक यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक जो कलंदर होते हैं वो खौफ जदा नहीं होते असल में जो खौफ है हर वो ख्याल, हर वो पैगाम हर वो फिक्र जो खौफ पैदा करे अमा उस फिक्र को पसंद नहीं करते उसकी उसके रद्द करते हैं अल्मा कहते हैं कि इंसान को खुदा ने आजाद पैदा किया है वो अपनी खुदी को मुनवर क्यों नहीं करता वो अपनी सलाहियतों से काम क्यों नहीं लेता वो क्यों मजबूर है दूसरे की तरफ देख के, के कोई आएगा उसकी जिंदगी को बदल कर रख देगा उसकी कोई इमदाद कर देगा उसको कोई सरफराजी अता कर देगा अलामा तो इसको पसंद ही नहीं करते अमा कहते हैं निगाह फक्र में शान कलंदरी क्या है शान सिकंदरी क्या है खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है बस नि, बस एक निगाह में होता है फैसला दिल का लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है कि खुद जब तुम खुदी ही खुद, खुद, खत्म हो रहे हो तुम्हारी ईगो तुम्हारा अंदर तुम्हारे तुम्हारे सोचने के अंदाज ही अपाहज हो गए हैं तुम दूसरे लोगों की जो है वो दस्ते रास्त बनकर जिंदगी गुजार रहे हो तो तुम किस तरह से जी सकोगे इस तरह से तुम्हारी देरपा जिंदगी जो है वो उसका तस्वुर मैं नहीं कर पा रहा तुम क्या करो तुम अपने सामने बड़े बड़े मॉडल रखो हजरत हुसैन का मॉडल रखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल रखो हजरत अलीम का मॉडल रखो जिससे तुम्हारी जिंदगी जो है उनमें वो ताकत पैदा हो वो दलेरी पैदा हो वो सरफरोशी पैदा हो वो इस्लाम के रास्ते में अपनी जान की अपने माल की परवाह किए बगैर लोगों के काम आने का जज्बा पैदा हो अगर तुम इस तरह से नहीं करोगे तो तुम्हारी दिन तुम फिर वो शाहीन नहीं बन सकोगे क्योंकि शाहीन क्या करता है शाहीन बुलंद परवाज होता है शाहीन आसमान की बुलंदियों पे उड़ता है शाहीन क्या करता है शाहीन घर नहीं बनाता जो फकर और कलंदरी और तवंगरी की अलामत है फिर शाहन क्या करता है किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता तो ये भी उसकी एक बहुत बड़ी खूबियों में से नजर उसकी तेज होती है वो चीजों को बदलने के चीजों को झपट कर चीजों को अपनी ताकत से अपने बलबूते पर हासिल करता है वो ऐसा नहीं करता कि वो दूसरे की तरफ देखता रहे खुद मेहनत ना करे और अपनी जिंदगी को बेअमली की तरफ ले जाए बल्कि वो एक पैहम कोशिश की तरफ रागब रहता है तो वो कहता है इसीलिए तो कहते हैं कि अगर तुम्हारी खुद ही खुद नगर और खुदगीर है तो तू मौत से भी नहीं मर सकता अब बंदा कहे मौत से तो सर सब मर जाते हैं लेकिन नहीं जिन इंसानों ने कुछ किया होता है जिन इंसानों ने जिंदगी का खराज अदा किया होता है मौत उन इंसानों के करीब का कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि उनकी यादें उनके ख्याल उनके लफ्जियात उनके अलकाबात माशरे में एक चराग की तरह जलते रहते हैं और माशरे में जिंदा रहने वाले लोग उस चराग की लॉ में अपने लिए रास्ता तलाश करते रहते हैं और यही जो है वो तरीक होता है कलंदरों का फकीरों का कि वो अलामा उन लोगों को पसंद नहीं करते जो बेअमली का दर्स देते हैं इसी तरह मतलब ये कि ने एक तरह की मजहूल जिंदगी जो है जिस जिंदगी में कोई ख्याल नहीं है अगर हम इन अगर हम इंसान तस्वुर करें तो हम अपनी जिंदगियां जो है वो किसी ख्याल के बलबूते पर ये जिसम जो है ये एक मादा है इस मादे को हुक्म कौन देता है इस मादे को हुक्म रूह देती है और रूह जो है वो पैगाम होते हैं रूह जो हैं वो ये सहायफ़ हैं किताबें हैं ये इंसान को बताती हैं कि तुमने अपने आप को नुकसान से किस तरह से दूर करना है किस तरह से ये यही वजह है कि हज़रत ने उन रूहानी हस्तियों के साथ अपने आप को जोड़ा जिनमें में ख़ैर थी जिनमें रोशनी थी हज़रत ने रसूल करीम सल वालम से अपने लिए रास्ता लिया हज़रतम से रास्ता लिया ने मौलाना रूम से अपने आप को जोड़ा अलामा ने जो है वो और जो बड़े बड़े फलसफी थे अलामा ने अपना दरवाजा बंद नहीं किया किसी के लिए अलामा ने बाबा नानक के बारे में अलामा इकबाल की नजम है काल मार्क्स के हवाले से हजरत अलामा की नजम है भरथरी हरी के हवाले ने अपने आप को महदूद नहीं रखा बल्कि जहां जहां से एक जिस तरह से एक मुंसम जहन जो है वो चिराग लेकर मुआशरे में निकलता है और चीजों और इकट्ठा करता है अपने लिए असबाक को खैर के औरक को तो उन औरक ने मतलब अल्लामा को सरफराज किया जिससे माशरा जो है वो ख़ूबसूरत है जिसमें माशरे में, में मसावत है जिसमें माशरे में, में बर्दाश्त है जिससे माशरे में सब्र है और एक साथ सारा समाज जो है वो जी रहा है शेक्सपियर को लामा ने ट्रिब्यूट पेश किया अल्लामा ने गालिब को ट्रिब्यूट पेश किया तो ये वो इंसान करता है पैदा जिसके अंदर कोई खौफ नहीं है जो खुले बाहों से समाज के हर आदमी को जो है वो कबूल कर रहा है और उसकी कबूलियत ही उसके असील होने की दलील होती है क्या बात है और जैसे आपने कहा कि इंसान मौत से नहीं मरता वो नाम yes. हमेशा हमारे दरमियान जिंदा रहता है इकबाल वन ऑफ थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपने बड़ी तफसील से रोशनी डाली इकबाल की सोच पर उनकी फिक्र पर और जिस तरह इकबाल ने मैसेज दिया किस किस से इकबाल इंस्पायर थे <coughs> बड़ी डिटेल से आपने इस बारे में बात की चलो नाजिन बढ़ते आगे अपने अगले मौजू की तरफ जो कि है आज योगा से जुड़ा योगा जिससे मुतिक हम ये कहते हैं ना मेडिटेशन अगर आपने करें तो योगा इज़ वन गुड थिंग जिसको आप करके मेडिटेशन कर सकते हैं अपनी अपने आपको फोकस रखने के लिए फिट रखने के लिए हेल्दी रखने के लिए थोड़ा सा लाइट वेट फील करने के लिए किसी टेंशन से आज़ाद होने के लिए स्ट्रेस फ्री होने के लिए योगा कर सकते हैं यूँ तो कहा जाता है योगा का जो बेस्ट टाइम है वो तो सुबह का वक्त है द अर्ली मॉर्निंग बट जो मसरूफ़ ज़िंदगी है ना सुबह उठते नहीं है टाइम पे और जो उठते हैं वो टाइम पे वो आते हैं टाइम पर ऑफिस वो जल्दी उठ के जल्दी ऑफिस आते हैं <laughs> तो अब ड्यूरिंग योर डे अपनी रूटीन में ऑफिस के दौरान अगर हम एंकर्स की बात करें क्या ये मुमकिन है आपके साथ बात भी होती रहे कनेक्टिविटी भी रहे साथ में योगा भी रहे ऐसा कोई पोज ऐसा कोई अंदाज कि योगा और काम साथ साथ हो जाए हम इस मौजू पर बात करेंगे वी हैव योगा एक्सपर्ट जनाब बासित अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम सर योगा करवाते भी हैं जी बिस्मिल्ल रिम जी अलहमदिल्ला एम ट्रेनर अच्छा जी यानी ट्रेनर से क्या मरा है कि आप लोगों को सिखाते हैं कि आपने योगा ऐसे कराना है या आपने ऐसे योगा करना है हम लोगों को योगा करके बताते भी हैं सिखाते भी हैं और टीचर भी बनाते हैं तो हमें करके बताएं कि मैं और शेप कैसे बैठा कर रहे हैं जी है। सबसे पहले बात करेंगे कि योगा है क्या फिर हम बात करेंगे कि योगा Uh, किस तरह करना चाहिए और फिर हम ऑफिस योगा पे आएंगे सबसे पहले योगा है जी कंबिनेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि मेडिटेशन अगर बेस्ट करनी है तो योगा के से हम हेल्प ले सकते हैं माइंड को रिलैक्स रखना बॉडी को कंफर्टेबल रखना और अपनी सोल को पुरसकून रखना ये तीनों चीज़ों बहुत ज़रूरी हैं अगर एक चीज़ बीमार होती है वो दूसरे को अफेक्ट करती है एक अफेक्ट होती है थो? वो दूसरे को ले जाती है बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का आ, आ, एक प्लेयर अगर मेंटली तौर पे रिलैक्स नहीं है तो वो अपनी गेम नहीं कर सकेगा फ़िज़िकली वो फ़िट है तो वो काम नहीं कर सकता इसी तरह अगर आप लोगों की जो फील्ड है आप मेंटली तौर पर कहीं और हैं और यहाँ पर मौजूद नहीं हैं फिज़िकली बिल्कुल ठीक हैं तो आप का रिस्पांस अच्छा नहीं होगा रिज़ल्ट नहीं आएगा और आप मेंटली यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं पेन्स हो रहे हैं और आपका सर्वाइकल बैक लेग्स में पेन है तो भी आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा Agreed. ये दोनों चीज़ें होने के बाद अगर इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है सोल नहीं है आप इस काम में खुश नहीं हैं तो भी रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा तो योगा कहता है माइंड बॉडी सोल का कम्बिनेशन हमें इन okay. तीनों चीज़ों को हेल्दी और हैप्पी करना है और इन तीनों चीज़ों पे काम करना कोई ऐसा शख्स जो कि ऐसा काम कर रहा हो जो कि उसके पैशन से जुड़ा ना हो उसकी पर्सनालिटी से जुड़ा ना हो लेकिन वो कर रहा हो ज़रा वो अच्छा नहीं कर पाएगा क्या योगा से ऐसा होता है कि वो उस काम से एंजॉय करना शुरू कर देता है जी ऐसा बिल्कुल है कि एक्सेप्टेंस का जो कानून है योगा आपको सिखाता है कि हर सिचुएशन को कबूल कर लिया जाए आपको जिस सिचुएशन में ला दिया गया है आप उसको कबूल कर लें एक्सेप्ट कर लें तो इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है आपका इनर भी सेटिस्फाई होता है और आपका माइंड बॉडी भी कंफर्टेबल होना शुरू होता है मैं एक चीज़ ऐड कर दूं माइंड के लिए हम योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं माइंड को रिलैक्स करने के लिए बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करते हैं और सोल को रिलैक्स और हेल्दी करने के लिए मेडिटेशन की जाती है तो फिज़िकल स्ट्रेचिंग ब्रीदिंग और मेडिटेशन ये तीनों चीज़ें करने से हमें बेहतर सेहत और हेल्दी लाइफ मिलती है क्या वेट गेन या लॉस के लिए भी योगा किया जाता है जी ये तो कॉमन सी बात है और आम हर कोई जानता है कि वेट लॉस के लिए इस वक्त योगा किया जाता है वेट 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 गेन 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 के के लिए लिए भी किया जाता है 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 अच्छा होता जी वो क्या सर वो सर सिंपल बात है मैंने आप इसको टफ सा, साइंस ना समझे बिल्कुल आसान है योगा कुछ भी नहीं मैंने जैसे कहा स्ट्रेचिंग अगर आप बॉडी के पूरे हिस्सों को स्ट्रेच करेंगे आपको अच्छी भूख लगेगी तो आप एक हेल्दी इंसान बनेंगे वेट गेन की बात नहीं करूँगा हेल्दी होने की बात

देखें अगर आप फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करते हैं फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं तो बैली और फेस सब चीज़ों पे प्रॉपर अच्छा। प्रॉपर फर्क पड़ता है कैसे आ, योगा कहता है जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन होती है अच्छा शेप साहब जहाँ जहाँ प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो एरिया हेल्दी हो जाता है ठीक है ऑपोजिट जिस बॉडी के हिस्से में प्रॉपर हेल्दी ब्लड की सर्कुलेशन नहीं है वो अनहेल्दी हो जाता है okay. आपकी मूवमेंट प्रॉपर नहीं है नीज के इश्यूज हैं बहुत सारी हमारे पाकिस्तान में ख़वातन को इशूज़ आते हैं क्योंकि मूवमेंट कम होती है यंग एज में मूवमेंट ज़्यादा होती है आहिस्ता आहिस्ता शहरों में मूवमेंट ही नहीं है या जो लोग जॉब वाले हो जाते हैं आपके पोर्स में गाड़ी आई घर के पोर्स में गाड़ी गई आपकी मूवमेंट नहीं है मॉल के अंदर गाड़ी जा रही है तो हमने क्या करना है हमने आज इसलिए टॉपिक आप लोगों की सजेशन से ऑफिस योगा रखा कि आप जैसे ऑफिस वाले लोगों के लिए इस वक्त वर्किंग वूमेंस के लिए मेल्स के लिए जो जुडिशरी है हमारे उन के लिए सुबह से शाम हम कह तो देते हैं कि मसाइल हल नहीं होते केसेस हल नहीं होते उन पे कितने प्रेशर्स हैं जो work, work हैं जो जो ऑफिस वर्क वर्क डेस्क कर रहे चेयर पे काम कर रहे हैं या जिनकी मूवमेंट कम है जैसे आपकी टीम पीछे पीछे काम कर रही है आपके वो तो फिर हेलजुल कि मैं और सलमा बैठे हुए है <laughs> हैं बिल्कुल दो तरह की मूवमेंट है सर एक ये हल्की फुल्की मूवमेंट है जो वो कर रहे हैं वो काफी नहीं है क्योंकि उनके ऊपर और तरह के प्रेशर है आपका कैमरा ज्यादा से ज्यादा बैठ जाएगा खड़ा हो जाएगा मगर उस पर जो प्रेशर है वो अपने प्रेशर है तो हर इंसान को काम करना है आज का नशोड़ मैं दे रहा हूँ हर एक को काम करना है हमारे टीचर कहते हैं ये अहम नहीं है कि कितना काम कर रहे हैं बस करना ये एहम, है, है।, है, 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 है। ये अहम है कि कितना काम रिक्वायर्ड है आपके लिए डिफरेंट है आपके लिए डिफरेंट है मेरे लिए डिफरेंट है ये अहम है कि कितना काम रिक्वायर्ड है मैं कहता हूँ सर मैं सो कदम चल रहे हूँ आजकल आई हुई हैं वॉच आई हुई हैं सब कुछ देख लेते हैं मोबाइल ये अहम नहीं है कि मैंने कितना चला ये अहम है कि मुझे कितना चलना है मैं कहाँ से हूँ मेरा बैकग्राउंड क्या है मेरी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है ये अहम है कि आपकी आपका प्रेशर ये कैसे मालूम होगा कि सलमा ने कितना कितना चलना है तो मैंने भागना है जी ये आपको खुद अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है शोब साहब अच्छा. आपको मालूम होना शुरू हो जाता है कि मैं इतना चल के मैं रिलैक्स नहीं हुआ मेरी इतनी मूवमेंट के बाद मेरी तबीयत नहीं हल्की हो रही तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि अगर आप ब्रेक लें जिसको हम ब्रेक योगा भी कहते हैं आप ब्रेक टाइम में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें ब्रेक टाइम में ब्रीदिंग करें नेचुरली आपने देखा कि आपके पास गेस्ट आते हैं गहरा सांस लेते हैं अपने आप को रिलैक्स करते हैं आप जब लेते ले हैं थोड़ा सा इजी करते हैं ठंडी आहें भरते हैं ये एक नेचुरल वे है योगा कर रहे होते हैं सर योगा के पोजेज नेचर से लिए गए अच्छा। योगा के बहुत सारे पोजेज एनिमल के नेम पे है। कैमल पोज स्नेक पोज बेबी पोज हैप्पी बेबी पोज छोटा सा बेबी जिसको जिसको कोई स्ट्रेचिंग नहीं करनी होती तो वो अपनी लेग्स को रिलैक्स करता है इतना कि अल्लाह ताला तुमने सिखाया आपको मुझे जब हम बेबी थे कि हम कैसे हैप्पी हो जाए ये जो हम दो, हम दोनों, हम दोनों जो बैठे हैं क्या ये भी योगा का को कोई पोज होता है जी आप लोग जो बैठे हैं आपने सबसे पहला जो अच्छा काम किया अपनी बैक को स्ट्रेट किया बैक स्ट्रेट करना सबसे बेस्ट है आपकी हेल्थ के लिए आपकी एनर्जी का फ्लो स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैवल करता है सबसे पहले हमें यह बताया जाता है जब भी कोई आपको कोई भी ब, आ, श, आ, मिले और आप उसके लिए वेल विशोर हों तो आप उसको एक टिप दें कि अपनी बैग को स्ट्रेट रखने की याद रखें जैसे जुक, आप लोग बिल्कुल हाँ हा, जी आगे की तरफ कर देना अनहेल्दी है रिलैक्स होने के लिए थोड़ी सी बैग पीछे की जा सकती है मगर स्पाइनल कार्ड का स्ट्रेट कर रखना बेस्ट है उसकी रीज़न अगर आप थोड़े से आ, जो अनहेल्दी बच्चे होते हैं या हम कह सकते हैं डिसबिलिटी है वो सबसे पहले आगे की तरफ झुकना शुरू करते हैं ताकि उसकी रीज़न है ब्रेन की तरफ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती जो जो सर उठता है ब्रेन की की तरफ ब्लड सर्कुलेशन आनी शुरू होती है एनर्जी का इसका मतलब है कि ऑफिस में आप थक जाए रेस्ट कीजिए फिर आए प्रैक्टिस करेंगे कि आप, अपने आप को बहुत ज्यादा टेक लगाने की आदत ना एनर्जी का फ्लो इससे आपके प्रॉब्लम दूर होंगे नंबर वन आपका जो डेस्क जॉब वाले हैं उनका सर्वाइकल का इशू आता है शुरू होते हैं मगर जो ऑलरेडी प्रॉब्लम हम ले चुके हुए उनको हम कैसे हल करेंगे उनको एक्सरसाइज से करेंगे अगर हमारे पास अभी टाइम है तो कुछ एक्सरसाइज में आपसे शेयर कर प्रीज प्रीज आप कुछ हमारे पीछे भी चल रही है सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो कि ऑफिस व कंप्यूटर पे काम करने वालों को सामने हाथ रखें अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट तेज होगी मैं आपको अगर बताऊं सिंपल अगर आप थोड़ा सा और चेहरा रिलैक्स करें, करें कंधे रिलैक्स करें अपर बॉडी पे हम और कहीं काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल हाँ अब माइंड को मैसेज जा रहा है कि हम हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हैं ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जो आपको रिलैक्स करेगी जी आप योग सिखाता अवेयरनेस हमने अवेयर होकर काम करना है क्या किया हमने यहाँ नहीं लिया यहाँ तनावनियाँ यहाँ नहीं हम जहाँ काम कर रहे हैं हम वहाँ तवज्जो तो okay. रखेंगे जैसे मैंने कहा माइंड बॉडी सोल का कंबिनेशन अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ माइंड भी वहां है बॉडी भी वहां है सोल भी वहाँ है hmm. मेरा दिल भी चाह रहा है अंदर से मेरा माइंड कह रहा है ओके okay, और बॉडी को मूवमेंट कर रहा है ये है कंबिनेशन तो हम हर पोज में बेशक स्ट्रेचिंग कर रहे हैं माइंड बॉडी और सोल को कंबाइन करते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं बॉडी माइंड सोल को कंबाइन करके चलेंगे ब्रीदिंग hmm. कर रहे हैं माइंड बॉडी सोल को हम स्ट्रैचिंग योगा में सेवेंटीज प्लस ब्रीदिंग एक्सरसाइज है mind, body, दो से तीन एक्सरसाइजेज हम अपनी रूटीन में बुलाते हैं सिंपल एक रोलर कोस्टर एक्सरसाइज है सिंपल सी जो बैठे बैठे मैंने अपनी बेटी को माशाल्लाह बताई स्कूल जाने लगे परेशान हो रही थी बाबा टेस्ट आ रहे हैं मैंने कहा बेटे टेस्ट से पहले रोलर कोस्टर कर लेना रोलर कोस्टर हाँ जी चले हम एक ट्राई करते हैं सर okay. हाथ उठाएंगे यहाँ से सांस लेंगे हाथ ऊपर लेके जाएंगे दूसरे हाथ से देखें और ब्रीद आउट इन आउट इन आउट इन, आउट। इन आउट इन और आउट एंड आंखें बंद और जरा फील करें और एक अच्छा सा स्माइल दीजिए अब टेस्ट अच्छा हो जाएगा जी सर टेस्ट अच्छा होगा नहीं होगा मूवी थी जिसका नाम नहीं मैं लेना चाहूंगा वो कहते हैं जी जब भी प्रॉब्लम आए तो कहें जी आल इज वेल यही क्वेश्चन उनके फ्रेंड ने किया तो क्या सिचुएशन बदल जाएगी उन्होंने कहा नहीं सिचुएशन नहीं बदलेगी आपके अंदर हौसला आ जाएगा टेस्ट अच्छा होगा नहीं होगा आपकी नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग रिलेक्ट जरूर आपकी जो चीजें आपको भूल रही हैं आप प्रेशर में चीजें भूलने के चांसेज हैं आपको टीचर का प्रेशर है आपके पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो वो आप कर सकेंगे आपके अंदर की क्वालिटी

अपने पौधों के पास ओपन एनवायरनमेंट और पोल्यूशन मगर हम इसमें हमारे स्टूडेंट कहते हैं सर टाइम सुबह उठता ही नहीं मिलता ही नहीं ओपन एयर में जा नहीं सक जैसे आप तो हम कहते हैं कि अच्छा बेस्ट नहीं होता तो आप जो अवेलेबल है जो अवेलेबल है बिल्कुल फंसना नहीं है मेरे टीचर ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि कहीं पर फंसना नहीं है जहाँ फंस गए आपका आगे तरक्की रुक गए आप जहाँ डर गए वहाँ आपका ब्लॉक आ गया तो जो पॉसिबल है और मैं थोड़ा सा इस चीज़ को देखता था कि दीन हमारा क्या कहता है तो यहाँ से पता लगा कि दीन ने कहा है जो चीज़ सीखने की मिलती है आप सीखें अगर आपके दीन से कोई चीज़ कन्फ्लिक्ट नहीं करती तो आप उसको सीखें आप बेहतरी की तरफ लेके आएँ तो हम एक आ, आ, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की तरफ जाएं लास्ट मिनट है आप ज़रा करवा दें सर हमें ओके एक मिनट जी 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 देखिए सबसे पहले सर्वाइकल की एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइज है आप जब कम स्ट्रेस में हो तो हल्की सी रोटेशन ले लें ये देखें ऐसे सिंपल एक्सरसाइज है आराम से इसको लें पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक सिंपल एक्सरसाइज

चेयर पे बैठे बैठे थक रहे हैं तो इसको दोनों साइड से मुनासिब कर लेना आ, आपको कंफर्टेबल कर देगा अच्छा ये तो एक छोटा सा सवाल कि जिन लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है सर्वाइकल स्पाइन का, का क्या वो भी एक्सरसाइज एक्सरसाइज जी कर गोल नहीं करेंगे ये बेस्ट एक्सरसाइज है सर्वाइकल के लिए इसको टर्ड्रल स्ट्रेच बोलते हैं कछवा गर्दन खींचता है सर्वाइकल के लिए और स्ट्रेस के लिए हर बंदे के लिए ये देखिए मैंने दोनों अपने कंधे उठाए चेन नीचे की और गहरा लंबा सांस करके होल्ड कर लिया देखिएगा और मैं वाइब्रेशन में आ गया सर गर्दन थोड़ी सी ऊपर मेरी तरफ देखें ऐसे ये जो वाइब्रेशन है ना ये है इनसाइड और आप छोड़ के देखें शुएब साहब बताएंगे आप क्या बना सच सच बताइए टर्टल टर्टल की फीलिंग आई है और और और, और <laughs> अच्छा रिलैक्सिंग सी अच्छा रिलैक्स हाथों तक पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है ये आपका और यहाँ पे मसल जैसे रिलैक्स हुआ है जी अब आपने सही बात की तो टोटल और ये पेशेंट्स के लिए भी है ये पेशेंट्स के लिए भी है। सर्वाइकल इशू वाले लोग जिनके पेशेंट है प्रॉब्लम वो भी और पर देखिये यहाँ से एरिया आपके

रिलैक्स होने के लिए कुछ भी करने को हम तैयार है सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं साथ रहिए है। बराबर हो ही नहीं सकता वो यहाँ क्यों नहीं है अगर मर गई है तो ये खुशखबरी आते ही क्यों नहीं दी ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती बहुत के है, मावरी। और तो है तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपनी जबान पूरी करने के लिए कहाँ तक जा सकती हूँ जबान तो मैं भी दे के आ रहा हूँ फर्क सिर्फ इतना है कि आपने जबान सौदे में दी है और मैंने मोहब्बत को तो नहीं कहा है ये देखा चलिए मुझे दुर्री चाहिए मुंशी वरना हर घंटे एक गार्ड मरेगा ये लड़ाई अब रही तो ये खुदा से लड़ाई है। तू चाहती है ना कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए मलकानियों के आखिरी वारिस को राजकोट हवेली के दरवाजे पे छोड़ जा मैं दुश्मनी खत्म करने का ऐलान करती हूँ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नजरिन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पीएचएफ की पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन फोरम की क्या रोल है क्या मैंडेट है कैसे काम किया जाता है थोड़ा सा आसान करके समझते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी इंटरनेशनल एन काम कर रही हैं जिस भी सतह पर काम करें कैसे उनको रिप्रेजेंट करता है पीएचएफ अगर हम हालिया सैलाब को देखें छः आठ सात महीने हो गए आज हमने पहले भी जिक्र किया इसका दादू का हमने जिक्र किया कि वहाँ पर आज भी पानी खड़ा है ऐसे में हम सब जानते हैं कि सिर्फ हुकूमत नहीं कर सकती काम कोई एक इदारा नहीं कर सकता सिर्फ एन नहीं कर सकती सिर्फ इंटरनेशनल एन भी नहीं कर सकती सबको मिलकर काम करना तो वो तो ज़रा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात है लेकिन आज के दौर में जब हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं फाइनेंशियल इशूज़ की बात करते हैं तो ज्यादा जो निगाहें हैं हमारी वो इंटरनेशनल एन की तरफ जाती हैं कि वो पाकिस्तान में काम करें और वो कर रही हैं ऐसा नहीं कि नहीं कर रही तो किस तरह पी एच एफ उनको सपोर्ट कर रहा है, है क्या इनका इस पर बात करेंगे, us, आ, शाहिद पी सर सबसे पहले थे। आसान करके बताएं कि कब से पी एच एफ है और कैसे काम कर रहा है पी एच एफ बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी फॉरम पी एच एफ दो हजार तीन से काम कर रहा है पाकिस्तान में और पी एच एफ जो पाकिस्तानी मटेरियल फोरम है ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है पाकिस्तान में काम करने वाली बैन अवी इंटरनेशनल एन जी ओज़ की और मेम्बरशिप बेस्ड बॉडी है जिसमें हम अभी करंटली बयालीस फोर्टी टू इंटरनेशनल एन जी ओज़ जो हैं वो इसकी मेम्बर हैं अच्छा और कोई आठ के करीब हमारे एफिलियट मेबर हैं जिसमें इंटरनेशनल रेड क्रॉस रेड क्रिश मोमेंट है कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एम एस एफ जो हेल्थ पे काम करती है और अभी एक सेक्रेटेरिएट है हमारा पी एच एफ पाकिस्तान फोरम का वी आर रजिस्टर्ड एज अ नेशनल एन जी ओ इन पाकिस्तान और हमारे जो मेम्बरशिप होती है जो इंटरनेशनल एन जी ओज़ हैं हमारी मम्बरशिप में सिर्फ वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हकूत पाकिस्तान ने जिनको पाकिस्तान में काम करने की इजाजत दे है। रखी है या वो रिस्टर्ड है पाकिस्तान के साथ अंडर अ प्रस्क्राइब जो आप कह सकते हैं रूल्स एंड रेगोलेशन हैं विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और हमारा जो काम है वो ये है कि हम इंटरनेशनल एन जी ओज़ के भी पे कोऑर्डिनेट करते हैं सपोर्ट करते हैं उनके काम को सर आप लोग खुद उनको एंगेज करते हैं वो लोग आपको अप्रोच करते हैं आई एन जी नहीं हम आई एन जी ओ बेस्ट सेटेरियट हैं तो आप कह सकते हैं कि हम खुद से कोई एंटिटी नहीं है लेकिन हम आई एन जी ओज का सेक्रटेरियट है मेरा कहने का मकसद ये जो लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं ये जो एनजीओ काम कर रही हैं क्या वो आपको खुद कॉन्टेक्ट करती है कि हम यहाँ यहाँ पे काम करना चाहते हैं आप उनको खुद अप्रोच हमारे जो जो एन जी ओज यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रही हैं बहुत एक हिस्ट्री है बहुत अरसे काम कर रही हैं उसमें कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज भी हैं जो अभी फॉर एग्जांपल फ्लड्स है तो फ्लड्स में बहुत सारी नई एन जो हैं डिफरेंट वेस्टर्न वर्ल्ड से आप कह सकते हैं बहुत सारी कंट्री से पाकिस्तान में आना चाह रही हैं और या कुछ ने काम भी शुरू किया वो हमें अप्रोच करते हैं हम ये उनके फिर... लिए मस्ट है नहीं है नहीं नहीं लेकिन ये ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड फोरम उनको मिल जी ये ऐसे है कि पूरी दुनिया के अंदर जिन भी कंट्रीज के अंदर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट पे सेटिंग्स में काम हो रहा होता है डिफरेंट रिजन के अंदर तो वहाँ पे इंटरनेशनल एनजीओ हों या नेशनल हों उनके पास उनके कोऑर्डिनेशन फोरम्स मौजूद होते हैं उन्होंने बनाए होते हैं ये एक ह्यूमटेरियन आर्किटेक्चर के अंदर ग्लोबली मौजूद है मिसाल के तौर पे जिस तरह यूनाइटेड नेशन एजेंसीज हैं तो यू सिस्टम्स पूरे के अंदर यू ओचा है उनका एक अदारा है जो कि ह्यूमटेरियन कोऑर्डिनेशन का काम करता है फॉर द यू एंड फॉर द इटायर ह्यूमटेरियन कम्यूनिटी ओके इसी तरह से इंटरनेशनल एन जो हैं उनके डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं इस तरह पाकिस्तान में भी है, है। पाकिस्तान में जो नेशनल एन हैं जो लोकल या आप कह सकते हैं नेशनल ऑर्गेइजेशन हैं उनका भी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसको नाम है नेशनल ह्यूमटेरियन नेटवर्क तो हमारा जो नेटवर्क है पाकिस्तान यूमटेरियन फोरम इंटरनेशनल एन का नेटवर्क और नेशनल एन नेटवर्क हम भी क्लोजली काम करते हैं और जो आप कह रही हैं अप्रोच करने का वो इस तरह से करते हैं कि वो जब कोई बाहर से इंटरनेशनल एन पाकिस्तान में आके काम करना चाहती है वो हमें कांटेक्ट करती है हम उसको फैसिलिटेट करते हैं कि उसको हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रेलवे अदारों के साथ लिंक करते हैं उसको फैसिलिटेट करते हैं कि आपने कहाँ पे काम करना है कैसे काम करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कि अच्छा, <coughs> कि आप उनको प्रोवाइड करें कि इस जगह पे इन चीज़ों की जरूरत है तो आप यहां <coughs> काम कर पर हम बायदा आप कह सकते हैं कि हम हकूमत पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं फेडरल लेवल पर और प्रोवेंशियल लेवल पे जिस तरह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो मैंडेटेड अथॉरिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट पर काम करने के लिए प्रोविसेज में पीडीएमएस हैं इस तरह डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं फेडरल लेवल पे हम उनके साथ क्लोजली काम करते हैं okay. कि जो भी वो काम कर करें जिस तरह किसी फॉर एग्जाम्पल फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन के ऊपर कोई काम हो रहा है तो हम उस मिनिस्ट्री के साथ हेल्थ पे काम हो रहा है तो हम उस मिनिस्ट्री के साथ मिल के काम करते हैं और हम जो इंटरनेशनल एन के कंट्रीब्यूश हैं जिन एरियाज़ में हम काम कर रहे होते हैं वो हम उनके साथ मिल प्लान करते हैं बताते हैं और औरकूमत पाकिस्तान हमें गाइड करती है और हमें इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है इस चीज़ के अंदर के कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर

और इसके अलावा जो तीसरा हमारा कंपोनेंट है वो हम स्पेसिफिकली uh, कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं कोऑर्डिनेशन नॉट ओनली विद द गवर्नमेंट बट विद द यूएन एजेंसीज विद वेरियस स्टेक होल्डर जिसमें आप जो कि सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड है या जस्ट आई आईएनजीओस आई एनजीओ के आपस में भी कोऑर्डिनेशन होता है अच्छा, इस प्लेटफॉर्म अच्छा। के थ्रू हमारे ऑफिस के थ्रू आई के आपस में जो काम है वो भी हम कोऑर्डिनेट कराते हैं कि कहीं डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो रही है बहुत अच्छी बात है। कहीं उनका वो आपस में जब मिलके काम करते हैं तो इंटरनेशनल एनजीओ से मजाद ये है कि जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो जब किसी मुल्क में काम करने जाती है तो वो अपने पास एक हब ऑफ नॉलेज लेके आती है yeah. उसकी किसी भी थीमेटिक एरिया के अंदर और हर ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई थीमेटिक yes, स्पेशलिटी होती है।, yes. किसी है किसी की हेल्थ के ऊपर है किसी के एजुकेशन पे है कोई डिजास्टर प्रिपेयरनेस के ऊपर काम करते हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज पे होगी जी हाँ तो उन ऑर्गनाइजेशन की जब अपनी ग्लोबल एक्सपर्टीज होती है तो वो जब हमारे मुल्क में काम करते हैं मिसाल के तौर पर तो वो अपने साथ ग्लोबल एक्सपीरियंस लेके आते हैं उन्होंने सिमिलर प्रोजेक्ट सिमिलर काम दुनिया के डिफरेंट रीजन में किए होते हैं जब उन्होंने डिफरेंट रिजन में किए होते हैं तो वो उसको कंटेक्शलाइज करके देखते हैं कि हमारे जब हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो उस नॉलेज से भी हम गेन करते हैं और वो नॉलेज हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग के लिए हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इस तरह के नॉलेज शेयरिंग हम कह सकते हैं आप मीटिंग्स होती हैं कॉन्फ्रेंस होती हैं वर्कशॉप्स होती हैं ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें हम नॉलेज शेयरिंग का भी काम करते हैं एक्सपीरियंस शेयरिंग का और हम वो गवर्नमेंट को भी अपने अदारों को नॉट एट फेडरल लेवल बट एट द डाउन स्ट्रीम जो आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हेल्प करते हैं अपने अदारों को कि ये बेसिकली नॉलेज प्रोडक्ट है जो ये इंटरनेशनल बहुत सारे मसायलॉल्व हो, हो, हो जाते हैं जब आपके साथ कोऑर्डिनेशन भी हो जाती है डेटा भी मिल जाता है सारी चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं वो एनजीओ जो आपको कॉन्टेक्ट नहीं करती जो डायरेक्टली काम कर रही है जिनकी शायद डाटा तक एक्सेस भी ना हो जिनके पास शायद उतनी एफर्ट्स ना पुट कर सके उनको क्या दरपेश आते हैं मेरा ख्याल है कि जो ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं कन्वेंशनल इंटरनेशनल एन हैं जिनका कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम है या कम्युनिटी में या यान साइड पे काम है तो उसमें अबव नाइन्टी परसेंट हमारे मेम्बर्स हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और वो इसलिए भी अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो हमारी मेम्बर्स नहीं होती या हमारे साथ नहीं है लेकिन एज ए इंटरनेशनल एन जी ओ स्टेटस हैं तो वो जब भी अब इस मुल्क में जब फरमान पाकिस्तान में काम शुरू किया तो कुछ अर्से बाद वो मेबरशिप ले लेते हैं इसलिए कि उनको पता चलता है कि ये एक प्लेटफॉम है जिसके ऊपर एक नॉलेज हब है और ये प्लेटफॉर्म कोऑर्डिनेट कर रहा है सबको तो वो अल्टीमेटली मिल काम करते हैं लेकिन अक्सरियत में मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान में बैन अलवी तनजीमें हैं इंटरनेशनल वो सारी की सारी हमारी मेम्बर हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो स्पेसिफिक कॉम्पोनेट्स पर काम करती हैं फॉर एक्जाम्पल कोई इन्वायरमेंट पे ग्लेशियर प्रोटेक्शन पे काम कर रही है कोई एनिमल प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रही है तो शायद वो हमारी मेंबरशिप में नहीं है लेकिन अक्सरियत में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी मेंबरशिप के स्पेशली वो जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट पर काम कर रही होती हैं देखें एक परसेप्शन ये है परसेप्शन ये है कि इंटरनेशनल एन हैं वो ज्यादा ह्यूमेटेरियन साइड पे या डिजास्टर मैनेजमेंट पर काम करती हैं ऐसा नहीं है अच्छा डेवलपमेंट पे भी काम करती हैं हमारा नाम पाकिस्तान ह्यूमटेरियन फोरम है लेकिन हमारा मैं अगर आपको ये बताऊँ कि दो की रिपोर्ट ट्वेंटी की जो हमने लास्ट ईयर ट्वेंटी में लॉन्च की हम हर साल एक रिपोर्ट लॉन्च करते हैं जिसमें हम पाकिस्तान में काम करने वाली इंटरनेशनल एन का हमारे मेबर्स का काम दिखाते हैं अच्छा क्या, क्या हर, हर सेक्टर के अंदर डिफरेंट थीम्स के अंदर उन्होंने क्या काम किया कितनी बेनिफिशरी को सपोर्ट किया कितना गवर्नमेंट को सपोर्ट किया कितने लोगों को किया कितने बच्चे ख्वातन बूढ़े डिसेबल ट्रांसजेंडर्स एवरी थिंग हम उसके अंदर अपने डेटा में लेके आते हैं कितने प्रोजेक्ट्स थे ह्यूमटेरियन कितने प्रोजेक्ट्स थे डेवलपमेंट कितने थे तो आई कैन टेल यू के टू uh, थाउजेंड में 150 मिलियन यूएस एस डॉलर से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन था आई का पाकिस्तान में ह्यूमटेरियन डेवलपमेंट okay. में जिसमें सिक्सटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स थे और फोटी परसेंट के थे इसके थोड़ा सा पीछे जाएँ तो कोविड एक बड़ा क्राइसिस था पाकिस्तान yes, के अंदर no पूरी दुनिया के अंदर था तो कोविड में जो हमारा रिस्पांस था इंटरनेशनल एनजीओ कम्युनिटी का 130 मिलियन डॉलर का था okay. और एक सौ तीस मिलियन डॉर का जो रिस्पांस था उसमें गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया था और कम्युनिटीज को भी किया ठीक है और अभी अग रिसेंट अगर फ्लड्स के ऊपर आऊँ तो रिसेंट फ्लड्स में जो हमारी मेंबरशिप है पाकिस्तान फोरम की हम एक मिलियन डॉलर यूएस डॉलर से ज्यादा की सपोर्ट कर रहे हैं एंड आई कैन प्राउडली टेल यू कि जितनी भी इंटरनेशनल असिस्टेंस बायो या मल्टी हो रही होती है उसमें इंटरनेशनल एनजीओ का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन साइड पे भी है और अल्टीमेटली में, में तो जब इतनी बड़ा क्राइसिस आया yes. तो उसमें जितना भी डेवलपमेंट का काम था वो तो जिन एरियाज में काम चल रहा है वो तो अपने एंड पे चल रहा है लेकिन फिर अल्टीमेटली रिसोर्स मोबिलानियन साइड पे हुई है क्या के ऐसे के कोई नाम आप ले सकते हैं इंटरनेशनल एनजीओ के जिन्होंने आपके नजर में सबसे ज्यादा काम किया है थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए मुझे पता है मालूम है सबको होता है चूँकि मेम्बरशिप बेस्ड बॉडी हैं मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मैं वो अगर 42 के नाम लेने पड़ेंगे लेकिन आई कैन नेम यू फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस के जिनका बड़ा काम है जिसमें आप कह सकते हैं इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी है आईआरसी आईआरसी इस्लामिक रिलीफ है ठीक है एमएसएफ का एक पूरा नेटवर्क है जिसने okay. बड़ा काम किया है कतर चैरिटी है मुस्लिम okay. हैंड्स है मुस्लिम एड है मर्सी कोर है डब्ल्यू एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है वो है

काफी था नहीं बिल्कुल काफी नहीं थी फॉर द्यूमेटलीस फिफ्टी परसेंट अभी और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है इंटरनेशनल है।, है और जिस तरह से स्पेसिफिकली जो हमारे दो ब्रिलियंट मिनिस्टर्स मैं कह सकता हूँ क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर जो है और डेन फार्म अफेयर मिनिस्टर और पूरी हुकूमत ने और पाकिस्तान की सोसाइटी ने जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्लाइमेट कैटस्ट्राफी को क्लाइमेट जस्टिस के साथ लिंक किया और उस बड़े yes. इंटरनेशनल एनजीओ चाहे वो यूएस बेस्ड आई एनजीओ हैं वो यूके बेस्ड हैं यूरोप बेस्ड हैं या किसी और कंट्री की दे आर सपोर्टिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान येस्टरडे हम वी मेट विद क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हम उनके साथ मिले हम क्लोजली काम करते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ और जब हमारे जो हुकूमत पाकिस्तान के जो डेलीगेशन हैं डिफरेंट नौ तारीख को अभी नौ जनवरी को हुकूमत पाकिस्तान डॉलर कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जैनेवा में ऑन द फ्लड्स तो ये इंटरनेशनल एन जी ओ जो पाकिस्तान में काम करी हैं ये इंटरनेशनल वर्ल्ड में मेंकूमत पाकिस्तान को उनकी एडवोकेसी एफर्ट्स में सपोर्ट करती हैं टू okay. टेल द वर्ल्ड कि क्या तो है दुनिया को ये बावर कराने में कि ये जो पाकिस्तान का कैटेस्ट्रॉफी है ये एक केस स्टडी है ये कहीं भी हो सकता है और ये कहीं भी होगा तो इसलिए इसको इस बात से ना जोड़ा जाए कि ये एक पाकिस्तान अकेले का डिजास्टर है तो इसको कोप अप करने के लिए पाकिस्तान नहीं काम करना और सारा पैसा देना है इसलिए लेकिन दुनिया में जो क्राइसिस है वो ज्यादा है आ, पूरी दुनिया अभी कोविड से निकली है इकोनॉमिक क्राइसिस आपके सामने है यूक्रेन का क्राइसिस आया है यमन के अंदर है अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज में है तो जब ये मल्टीपल क्राइसिस चल रहे हैं तो उसमें ह्यूमटेरियन जो फंडिंग है वो अल्टीमेटली कम हो जाती है वो उस लेवल पे नहीं है जितनी भी माजी में थी मिसाल के तौर पर

अभी ना जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है सेम टाइम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं आप ग्लोबल विलेज बन चुके हैं और कोलाब्रेशन कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है फिर इसी बात पे बिल्ड करते हुए जब हम ये कहते हैं कि ये क्लाइमेट का रेस्ट्राफी है क्लाइमेट जस्टिस को हम बिल्ड कर एडोकेट करें सपोर्ट करें तो मेरा ख्याल है जो इंटरनेशनल एन कम्युनिटी है उसका एक बड़ा रोल है आपकी ये चीज़ें लिंक्ड होती हैं आपकी जो डोनर कम्यूनिटी है बायर दुनिया के डिफरेंट रिच कंट्रीज़ या बिग स्टेट्स वो भी अपने जो जब अपने रिसोर्स एलोकेट करते हैं किसी मुल्क को तो वो सारे रिसोस वहाँ की गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं करते वो रिसोसेज डिफरेंट अदारों के थ्रू जाते हैं उसमें इंटरनेशनल एन का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है चूँकि वो आई एन के जो सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा कंपेरेटिवली स्ट्रॉगर हैं बेहतर हैं अकाउंटेबिलिटी के इंप्लीमेंटेशन के एक्सपीरियंस को लेकर या वो क्विक आप कह सकते हैं जीटेन रिस्पांस इज़ आलवेज एवरी थिंग इज अबाउट क्लिक क्विक डिलीवरी कि आप किसी को जब एमरजेंसी के अंदर किसी की लाइफ सेविंग इंटरवेंशन होते हैं कि आ लोग पानी में बैठे हैं या किसी मुश्किल में बैठे हैं या उन जिनका घर गिर गया है या उनको रेस्क्यू करना है असिस्टेंस चाहिए तो उस पर आप वेट नहीं कर सकते आपको एक्सपर्टीज चाहिए।, चाहिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए और आपको वहां तक पहुंचना होता है बिल्कुल ठीक तो रोल इसलिए भी ज्यादा है कि अभी तो ये एक इनिशियल फेज है जिस फेज के अंदर हम बात करें कि आपने इमिडिएट रिस्पॉन्स कियाट रिकवरी और पाकिस्तान इज अमंग

और इस पर जरूरत है कि हम जो कम्युनिटी प्रपैरनेस है उसको मजीद एफेक्टिव और एफिशिएंट करें ताकि कल दोबारा से हम इस तरह के क्राइसिस से बचने के लिए तैयार रहें बिल्कुल सही है शायद काजिम साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे आप और इस टॉपिक से मुतालिक हमसे बात करते हैं नाजिम वक्त तो खत्म मुलाकात कल करेंगे बहुत सा ख्याल रखिए अल्लाह